मी द अपॉर्चुनिटी थैंक यू सर विथ योर परमिशन कैन आई स्टार्ट स्क्रीन शेयरिंग या स्क्रीन शेयरिंग करें यू कैन स्टार्ट दिस सर या थैंक यू शुरू कर दीजिए एकदम कृष्ण तो आप का कनेक्शन है ना यस सर स्क्रीन देखा जाता है यस ओके सर हेलो सर हेलो यस सुना जाता है यस 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 सुना जाता है ओके ओके शो दीपंकर स्टार्ट करी हमरा नाकि 40 तो হয়েছে हां निश्चय निश्चय ओके रेस्पेक्टेड प्रवीर सर विश्वरूप सर रेस्पेक्टेड ऑल लीडर्स जितने लोग इस प्लेटफॉर्म में अभी अवेलेबल है ऑल आर लीडर्स एंड विद ड्यू रिस्पेक्ट आज के ये सेशन स्टार्ट करने वाले हम लोग आज के सेशन की मेन टॉपिक है टेली इनविटेशन इस जो पूरा ट्रेनिंग सिस्टम है इस ट्रेनिंग सिस्टम को हम लोगों ने दो पार्ट में डिवाइड किया फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को थोड़ा सा बेसिक के बारे में बताया जाएगा कि टेली इनविटेशन में क्या क्या इनविटेशन ओवरऑल इनविटेशन में क्या क्या बेसिक्स फॉलो करना है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि टेली इनविटेशन में क्या क्या बेसिक्स फॉलो करना है पहले आपको स्लाइड के माध्यम से वो बेसिक बताएंगे एंड उसके बाद लाइव डेमो होगा आप में से किसी एक को चूज किया जाएगा और फिर वो इनविटेशन को किया जाएगा आप लोगों के साथ तो ये सारा चीज मैं और हमारे ग्रेट लीडर मिस्टर कृष्णेंदु प्रामाणिक हम दोनों मिलके इसको करेंगे और मुझे जहां तक लग रहा है कि आज की इस ट्रेनिंग के बाद आप लोगों को किसी को फोन करके या किसी को इनविटेशन देने में कोई दिक्कत नहीं आएगा क्यों क्योंकि ये पैटर्न आज के ट्रेनिंग के पैटर्न ऐसे बनाया गया है और मतलब क्या बताऊं मैं आपको कृष्णेंदु सर के बारे में He is an excellent trainer and he is masterpiece in this invitation field. And he can invite anybody and everybody. Kisi ko bhi irrespective of his age and irrespective of his work culture, irrespective of his position, everything. So, sir, pura demo karenge. Pehle main thoda sa aap logon ke sath basic share kar dunga. Theek hai? Yes, yes. Okay, yes, yes. Sir, yes, proceed, sir. Divakar, sir. Thank you, sir. Okay. Thank you, sir. Thank you. Are you facing challenges during invitation over telephone? अगर आप कोई challenges face कर रहे हैं invitation telephone के माध्यम से आज के दिन में जो invitation है अगर आपके जवाब हाँ है तो आज आपको solution मिलने वाला है इसी आज ही इस total system में तो मैं आपको जो चीज बताने वाला हूँ कि कुछ basics है जो आप लोगों को follow करना चाहिए during the process of invitation. ठीक है तो इस बेसिक में क्या आता है जस्ट अ मिनट इसमें क्या आएगा देखिए जब भी आप किसी को इनविटेशन करते हैं ना जब आप फोन कॉल करने की मतलब सोचते हैं जब मैं सामने वालों को कॉल करूंगा इनविटेशन से पहले एक पार्ट आता है वो लिस्ट बिल्डिंग तो आपके पास पहली चीज है वो लिस्ट होना चाहिए और लिस्ट में जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ना लिस्ट को आप डिवाइड होना चाहिए कैसे एक हॉट वार्म एंड कोल्ड मैं उतना डिटेल्स में नहीं जाऊंगा लेकिन फिर भी थोड़ा सा बता देता हूँ लिस्ट हॉट वार्म एंड कोल्ड क्या रीजन है मैं आपको बता देता हूँ जो लोग आपके मोस्ट क्लोज है ना वो आपके हॉट लिस्ट में होते हैं जो जिस जो आपके कोई फंक्शन या किसी में भी आप इनवाइट करते हैं तो वार्म में आते हैं और जो आपसे एकदम नया लोग है वो सब कोल्ड लिस्ट में आते हैं ठीक है मोटा मोटा से इतना समझ लीजिए ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाएंगे तो आप शुरू करेंगे हॉट लिस्ट जो लिस्ट में आप हॉट लिस्ट में जिसको कैटेगराइज किया उससे अच्छा जब इनवाइट करेंगे आप एक चीज और भी ध्यान रखना है जब बात करेंगे तो इनवाइट करते टाइम बातों बातों में आपको पता करना है कि उनको बिजनेस में इंटरेस्टेड है या प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड है दोनों कंडीशन में ये सारा जो भी बेसिस बताया जाएगा सारा काम करता है उसमें ठीक है फिर भी आपको वो चीज भी दिमाग में ध्यान रखना है बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इन्विटेशन बहुत इंपॉर्टेंट जैसे प्रवीण सर शुरू में बता दिए थे इन्विटेशन इज द मोस्ट पावरफुल पार्ट ऑफ एनी नेटवर्क मार्केटिंग अगर आप इन्वाइट करने में मास्टर हो गए ना तो फिर लोग को कभी भी आपको कमी नहीं होगा लोगों की तो आपको एक पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए और आपके एटीट्यूड
एकदम इमोशनली और मेंटली आप एकदम स्ट्रांग होना चाहिए जब इनविटेशन करें। आपको जो है ना, आपकी जो स्टेट है, जैसे आपको अगर किसी से कोई लड़ाई झगड़ा हुआ है तो उस टाइम आप टेलीफोन करके किसी को इन्वाइट मत कीजिएगा प्लान शो के लिए, मैं बता रहा हूँ। आपके मूड एकदम पूरा हैप्पी होना चाहिए तभी आप इन्विटेशन के लिए कॉल कीजिए, ज्यादा काम आएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपको क्या करना है, आपको जेन्युइन कॉम्प्लीमेंट देना है जो सामने वाले को, जिसको आप कॉल कर रहे हो, सबसे पहले आपको देना है कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट देना है, और वो कॉम्प्लीमेंट क्यों देना है, इसका रीजन जो है मेन, कि सभी लोग कॉम्प्लीमेंट सुनना पसंद करते हैं, और इससे क्या होता है ना, सामने वालों की जो मूड है वो लिफ्ट हो जाता है। तो क्या होता है, आप तो ऑलरेडी अच्छी इमोशनल स्टेट में है, तो सामने वाले की भी इमोशनल स्टेट अच्छा हो जाएगा। इससे कारण क्या होगा कि दोनों की एक माइंड सेट मैच हो जाएगा, फिर आपको कोई भी बात करेंगे ना तो ऑब्जेक्शन कम आएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, आप कभी भी कॉल करेंगे ना तो स्माइल, ओपन द कॉल विद स्माइल। आप स्माइल करके आप उस कॉल को ओपन करेंगे। आपको, आप सोच रहे होंगे कि टेलीफोन में क्या स्माइल करना है, लोगों को दिख नहीं रहा है, लेकिन मैं आपको एक जानकारी के लिए बता दूं कि लोगों को आपकी स्माइल दिख नहीं रहा है, लेकिन अगर स्माइल करके आप कॉल करते हो तो सामने वाले को महसूस होता है वो चीज, ठीक है। ये चीज महसूस होता है, आप ट्राई करके देखिएगा। एक पूरा मतलब गुस्से वाला मूड में अगर कॉल कीजिएगा, एक स्माइलिंग वाला मूड में कॉल कीजिएगा, दोनों में क्या अच्छा रिजल्ट आता है आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो स्माइल आपके चेहरे पे होना चाहिए, आपकी पॉजिटिव मेंटेलिटी के साथ कॉल होना चाहिए, और जेन्युइन कॉम्प्लीमेंट के साथ शुरू होना चाहिए। एक बहुत अच्छा टिप्स कृष्णेंद्र सर लास्ट दिन बता रहे थे कि अगर कुछ भी नहीं मिलता तो इससे ऐसे भी बोल सकते हैं, सर आपका टेलीफोन की जो कॉलर ट्यून है ना बहुत मस्त है, वो भी एक कॉम्प्लीमेंट हो गया, ठीक है। तो ये कॉम्प्लीमेंट बहुत जरूरी है, और लेकिन कॉम्प्लीमेंट जेन्युइन होना चाहिए, ये भी ध्यान रखिएगा। पता लगा एकदम फालतू टाइप का एक रिंगटोन है, आप बोल दिए कि बहुत अच्छा क्वालिटी होना, तो बेकार लगेगा वो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, आप जब भी कॉल करेंगे उस कॉल की जो पैटर्न है, वो पैटर्न को हम लोग बोलते हैं फॉर्म थ्योरी। सबसे पहले उनके फैमिली के हालचाल पूछेंगे, अंकल कैसे, आंटी जी कैसे, पापा मामी कैसे, भैया भाभी कैसे, बच्चे कैसे, ठीक है। उनकी बातों पे इंटरेस्ट लीजिए, वो जो बोल रहे हैं उनको सुनिए। अगर मान लीजिए फैमिली में कोई अच्छा सिचुएशन नहीं चल रहा है तो उस दिन इन्वाइट करने की कोई जरूरत नहीं है, जस्ट हलचल पूछिए और थैंक यू करके बंद कर दीजिए, ठीक है। अगर देखिएगा कि फैमिली में सब कुछ ठीक ठाक है, नेक्स्ट चले जाएंगे हम उसके ऑक्यूपेशन के बारे में। जैसे ऑक्यूपेशन में, जैसे मान लीजिए कोई जॉब करते हैं, तो आप ऐसे बोल सकते हैं उनको कि आपका तो कंपनी बहुत अच्छा है, उसमें तो बहुत बढ़िया, साल में 2-3 बार इंक्रीमेंट देता है, तो बहुत अच्छे कंपनी में आप काम करते हैं, रियली इट्स अ वेरी वंडरफुल कंपनी। तो हो सकता है सामने वालों की ऐसा दर्द हो कि लास्ट 2 साल से कोई इंक्रीमेंट नहीं आया, तो रोना स्टार्ट कर देगा, तो आप उसको नोट कर लीजिएगा, वो इन्विटेशन पार्ट में आप यूज कर सकते हैं बाद में। हो गया ऑक्यूपेशन, फिर आता है रिक्रिएशन। वो ऑफिस से जब आते हैं या कोई भी काम करते हैं, दुकानदारी करते हैं, दुकान बंद करने के बाद वो क्या काम करते हैं, वो पूछिएगा कि आपके तो ऑफिस 5-6 बजे छुट्टी हो जाता है, फिर आप घर कितने बजे आ जाते हो, तो वो बोलता है 7 बजे। तो बोले उसके बाद फिर क्या करते हो, तो बोले क्या करना है, फेसबुक देखना है, व्हाट्सएप देखना है, टीवी देखना है। तो आप वो टाइम को नोट कर लीजिए कितने टाइम पे खाली रहते हैं। एंड लास्ट इज मनी, ठीक है। ये मनी जो है ना, ये टच कर सकते हैं, बहुत अच्छे अच्छे लोगों को भी टच कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए उनकी कोई बातों बातों में कुछ पता लगा कि उनके कुछ इंटरेस्ट था, जैसे आपके कोई जान पहले से उनके अगर नॉलेज है उनके बारे में, तो आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन था, उनको कुछ नया बाइक खरीदना था, तो पूछ सकते हैं, अच्छा आप तो एक बाइक लेने वाले थे, क्या हुआ आपने लिए नहीं, आप एक कार लेने वाले थे, क्या हुआ लिए नहीं, दिल को छुई है थोड़ा सा। ऐसे भी एक और चीज यूज करते थे मनी में, एक और चीज यूज करते थे, जैसे आप बोल सकते कि जो महंगाई बढ़ रहा है ना डे बाय डे, रियली इट्स अ हेडेक, ये बहुत ज्यादा हेडेक हो रहा है हम लोगों के लिए, तो ये भी आप बोल सकते हैं। मनी उसको टच करना चाहिए, इमोशन को टच करना है मनी, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट, ये डिटेल्स में जब डेमो होगा ना आपको पता चल जाएगा। अब चलते हैं नंबर 5, इनविटेशन शॉर्ट होना चाहिए, ज्यादा लंबा ड्यूरेशन नहीं खींचना है, ज्यादा से ज्यादा 3-5 मिनट मैक्सिमम, उसके बाद खत्म करना है। आप मतलब कॉल कट करने की तेजी में होना चाहिए। एक आपको साइकोलॉजिकल बात बता रहा हूँ कि लोग जो मतलब जल्दबाजी में रहता है ना, उनको सामने वाला पसंद करता है, वो सोचते हैं कि सामने वाला बिजी है, मतलब वो बहुत काम करते हैं। इससे क्या एक और चीज होता है, आप अर्जेंसी क्रिएट कर सकते हो, और आप जो वैल्यू बिजनेस की वैल्यू भी बढ़ा सकते हो उसमें, ठीक है। कभी भी प्लान शेयर करना नहीं स्टार्ट कर दिएगा टेलीफोन में इनविटेशन के दौरान, ठीक है। अब चलते हैं 6th पॉइंट पे, बिफोर क्लोजिंग द कन्वर्सेशन कन्फर्म डेट टाइम प्लेस। जैसे मान लीजिए इन्विटेशन पक्का हो गया, तो उसी टाइम डेट टाइम और प्लेस कन्फर्म करना है, और उनको 2 ऑप्शन मिनिमम टाइमिंग का देना है। जैसे पूछ सकते हैं संडे सुबह सही रहेगा या मंडे शाम को सही रहेगा, या आप पूछ सकते हैं संडे में शाम को 5 बजे बुलाओ फोन करो या 7 बजे फोन करो, ठीक है। 2 टाइम दीजिएगा, तो उससे क्या होगा ना, उसके पास ऑप्शन हो जाएगा, वो आपको कोई ना कोई टाइम दे देगा। आप आते हैं 7th नंबर में, ठीक है। टेक कमिटमेंट बिफोर क्लोजिंग द मीटिंग।
इसके लिए एक सेंटेंस और दोहराइएगा आप, जैसे वो मान लीजिए टाइम बता दिया, उन्होंने बोला ठीक है मंडे शाम को करेंगे, तो फिर ये सेंटेंस जरूर दोहराइए। तो आपको फिर ऐसा करूंगा सर, फिर संडे ना शाम को मैं एक बार कॉल करके रिमाइंड दिला दूंगा मंडे की मीटिंग के बारे में, ठीक है? इससे क्या होगा, दोबारा उनके दिमाग में आप इंप्रेशन डाल दिए कि उन्होंने कमिट कर चुके आपको। अब आते हैं लास्ट 8th पॉइंट, जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फोन छोड़ते टाइम भी आपके चेहरे पे स्माइल होना चाहिए और एंथुसियाज्म होना चाहिए, ठीक है? स्माइलिंग टोटल थ्रू आउट द कन्वर्सेशन, आपको स्माइलिंग करते रहना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। गोल्डन रूल, कीप द कन्वर्सेशन शॉर्ट एंड सिंपल, ऑलवेज मेंटेन योर पोस्चर। आप कभी भी आप कॉन्फिडेंस मत खोइएगा, कॉन्फिडेंस के साथ बात कीजिएगा। सामने वाला ना भी कर सकता, वो बोलेगा नहीं मेरे पास टाइम नहीं, मैं नहीं सुनूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ना करे आप, ना से मत घबराइए। I think something net problem. Yes. Yes. Isn't it thoda net problem ho raha? Yes, yes, yes. So not an issue. Training to bahut badhiya chal raha hai. Ye jo basics hai ye yaad rakhna bhai, ye to maan ke hi chalna hai. Aur yahi same cheez ko kaise apply karna hai wo to abhi demo karke kiya jayega, ek nahi agar time hoga 2-3-4 bhi kar sakte hain। पर जो जो लोग आप सुन रहे हो आप डिसाइड कर लीजिए, आपको इनवाइट नहीं लेना है, ठीक है? जो जो आएंगे मेरे साथ बात करने में आप डिसाइड कर लो आपको इनविटेशन नहीं लेना है, और मैं इनविटेशन लेने का कोशिश करूंगा, ठीक है ना? तब ये जमेगा कन्वर्सेशन, राइट? चलिए आ गया, फिर आ गया। यस या दिवंकर दोबारा कनेक्ट हुआ, एक बार लाइन काट दिया था। ओके, सो यहाँ पे ऐसा कोई है कि अभी तक विस्टी ज्वाइन ही नहीं किए हो, ऐसा कोई हो तो प्लीज रेज योर हैंड, मतलब आपने अभी रजिस्टर नहीं किए हो, क्योंकि ऐसा भी होता है कभी कभी कि ट्रेनिंग लेना शुरू हो जाता है, तो ऐसा कोई हो कि अभी तक विस्टी ज्वाइन हुआ नहीं, मतलब रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, नहीं है? ओके, चलिए बढ़िया बढ़िया, ओके है ना? चलिए आपके साथ इन्विटेशन होगा, ठीक है? आपके साथ होगा इन्विटेशन, ठीक है? दीपंकर खत्म हुआ, आप रहोगे? यस दीपंकर कंटिन्यू, यस कंटिन्यू। अच्छा अभी मेरा जो पीसी में जो सिस्टम में चल रहा था वो तो किसी कारण से डिस्कनेक्ट हो गया, जो लैपटॉप में चल रहा था, तो मैं अभी वर्बली बता देता हूँ कुछ, मतलब हो गया ऑलमोस्ट। देखिए जो थ्योरेटिकल पार्ट है ज्यादातर मैंने कवर कर ही लिया, मेरा आवाज क्लियर आ रहा है सर? यस यस यस। हाँ अभी जो मैं बताऊंगा कुछ अप्रोचेस बताऊंगा, अप्रोचेस डायरेक्ट अप्रोच। डायरेक्ट अप्रोच में क्या होता है कि आप किसी को जब भी प्लान शो जिसको करना है ना, उसको आप डायरेक्टली बोल सकते हैं कि सर मैंने एक बढ़िया सा बिजनेस अपॉर्चुनिटी मुझे पता चला है, एंड आई वांट टू शेयर विद यू दिस बिजनेस अपॉर्चुनिटी, इफ यू आर इंटरेस्टेड देन वी कैन फिक्स द डेट। मतलब मैंने मुझे बहुत बढ़िया बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिला है, मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, आर यू इंटरेस्टेड? आप डायरेक्ट पूछ सकते हैं, वो होता है डायरेक्ट अप्रोच, ठीक है? अगर हाँ कर दिया तो फिक्स कर लीजिए, नहीं किया तो कोई दिक्कत नहीं है फॉर नेक्स्ट। सेकेंड ओपिनियन अप्रोच, ओपिनियन अप्रोच एक होता है, ठीक है? ये ओपिनियन अप्रोच में क्या होता है ना, ये बहुत अच्छा काम करता है, जो अगर आपसे ज्यादा उम्र वाले लोगों के साथ अगर प्लान प्रेजेंटेशन करना है तो उस टाइम ये अप्रोच बहुत अच्छा काम करता है। या आपसे मान लीजिए कोई फाइनेंशियली स्ट्रांग पोजीशन में है या कोई बड़े पोर्टफोलियो में है आपसे, तो उनके जगह पे ये बहुत काम करता है। क्या करना है इसमें, इसमें आपको इस तरह से बोलना है कि सर, जैसे सर बोलो या चाहे अंकल बोलो या भैया बोलो, कुछ भी बोलो, कि मुझे एक बहुत बढ़िया बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में पता चला है, लेकिन मैं डिसीजन ले नहीं पा रहा हूं, मुझे आपसे आपका थोड़ा सा मदद चाहिए, थोड़ा सा आप मदद कर सकते हैं कि मैं उसको करूं कि ना करूं? तो लोगों का क्या है ना, एक एटीट्यूड होता है दूसरों को, मतलब वो फ्री में एडवाइस देना चाहते हैं, हेल्प करना चाहते हैं, तो वो बोलेंगे हाँ क्या है बताओ, बोला तो फिर सर ऐसे करते हैं ना, तो कल हम लोग जो एक जूम में है आपको लिंक शेयर करूंगा, सुन के आप मुझे बताइएगा मुझे करना है कि नहीं करना है, समझ रहे हो? ये एक होता है ओपिनियन अप्रोच, बहुत अच्छा काम करता है मैं बता रहा हूँ। आगे जाएंगे सस्पेंस अप्रोच। इस सस्पेंस अप्रोच कैसे काम करता है, जैसे मतलब ये आपके फ्रेंड के साथ ज्यादा अच्छा काम करता है। जैसे आपके कोई फ्रेंड है तो आप उसको जाके इनवाइट इस तरह से आप बोल सकते हैं कि देख मुझे ना कुछ एक पता चला है, कुछ मतलब क्या बोलते हैं, मुझे एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में किसी ने बताया, लेकिन मुझे बिल्कुल ही पता नहीं एक्चुअली क्या है, तो देख तू मेरा सबसे करीबी दोस्त है, तो मुझे ऐसा लगा ना कि मैं तेरे को सबसे पहले बताऊं, सो दैट हम दोनों मिलकर उसको सुनेंगे, देखेंगे उसको क्या है, फिर डिसाइड करेंगे क्या करना है। तो कभी दोस्त क्या बोलेंगे, ठीक है चल देखते हैं क्या करना है,
तो ये हो गया सस्पेंस अप्रोच, जिसको कुछ नहीं बताया लेकिन सस्पेंस उसके दिमाग में डाल दिया। अब आते हैं एक्सपेंशन अप्रोच, ये भी बहुत अच्छा काम करते हैं फ्रेंड्स के लिए। जैसे आप डायरेक्टली बोलेंगे उनको कि देखिए अब मैं एक डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के साथ ऑलरेडी हूँ काफी दिन से, तो अभी क्या है ना कि मैं इसमें काम तो कर रहा हूँ लेकिन अभी हमारे कंपनी आपके एरिया में ना एक्सपेंड करने वाले है, या तुम फ्रेंड है तो बोलना तुम्हारे एरिया में एक्सपेंड करने वाले है, तो मुझे जबकि आप मेरे बहुत करीबी हो तो सबसे पहले मेरे दिमाग में आप ही का नाम आया, तो मैं ये चाह रहा हूँ कि आप थोड़ा सा इसको जानना चाहते हो तो एक बार देख लो, कोई इसमें जरूरी नहीं है आपको सुन के ज्वाइन ही करना है, मतलब नो एप्लीकेशन हो गया, मतलब उनको पहले ही खाली कर दिए कि नहीं भाई कोई ज्वाइन वाइन नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, ऐसे आप बोल देंगे ना तो वो थोड़ा सा हल्का हो जाएंगे, ज्वाइन नहीं करना है लेकिन वो सुन के देख सकते हो, अगर अच्छा लगे तो शुरू कर देना, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो एक्सपेंशन अप्रोच ये बहुत अच्छा काम करता है। एक प्रैक्टिस अप्रोच, ये आप लोग जरूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत इंटरेस्टिंग काम होता है। क्या होता है ना प्रैक्टिस अप्रोच में, आप किसी फ्रेंड या रिलेटिव के पास जाके बोलेंगे कि मैंने ना एक, आपको तो पता है मैंने अभी बेस्टी ज्वाइन किया हूँ तो मैंने नया नया हूँ, मुझे ना एक्चुअली कॉन्फिडेंस नहीं है लोगों को ऐसे प्लान शो करना है, तो आप क्या है ना कि आप थोड़ा सा मुझे मदद करोगे, तो वो बोलेंगे क्या करना है, बोला मैं 5 लोगों को इन्वाइट किया हूँ उनको प्लान शो करने के लिए, लेकिन उससे पहले ना मैं आपके साथ थोड़ा सा प्रैक्टिस करना चाहता हूँ, एक बार थोड़ा सा मैं प्रैक्टिस करूँगा, अगर आधा घंटा आपके पास टाइम हो तो थोड़ा सा बैठ के प्रैक्टिस कर लेंगे ना तो मेरा कॉन्फिडेंस आ जाएगा, इससे क्या होगा वो बंदे सुनेंगे, तो आपका एक ये भी एक इन्विटेशन की प्रैक्टिस अप्रोच बोलते हैं। एक अप्रोच है रेफरेंस एंड रिकमेंडेशन अप्रोच, ये भी बहुत काम करते हैं। इसमें क्या करना होता है, इसमें आप सामने वालों को बोलेंगे कि सर देखिए आप तो वेल एस्टेब्लिश्ड हो, आपका आप अच्छे प्रोफेशन में भी हो और फाइनेंशियली भी बहुत स्ट्रांग हो, लेकिन आपके जानकारी में कोई ऐसा हो जो फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहा है बहुत दिन से, ऐसा कोई है कि आपके जानकारी में, फिर थोड़ा सा वेट कीजिए, अगर वो हाँ बोले तो बहुत अच्छे, फिर बोलोगे सर ठीक है तो फिर आप थोड़ा सा बता दीजिए कौन कौन है, तो उनको हम सर हमारा बिजनेस अपॉर्चुनिटी शेयर करना चाहते हैं, और अगर आप भी सुनना चाहते हो तो सर आप उनके साथ सुन के देख लीजिएगा कि सही है कि नहीं, तो ये होता है रेफरेंस एंड रिकमेंडेशन अप्रोच, ठीक है। और ये 6 तरह का अप्रोच मैंने बताया, अभी आपको जो मैं थोड़ा सा गोल्डन रूल बता देता हूँ, स्टार्ट इनवाइटिंग पीपल हुम यू आर कंफर्टेबल विद, आपको मैं पहले बता रहा हूँ जो आप जिसके साथ कंफर्टेबल हो सबसे पहले उनके साथ आप ये इनविटेशन पार्ट स्टार्ट कीजिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि उन लोगों के साथ जब आप इनविटेशन करेंगे ना तो आपके पास रेजिस्टेंस बहुत कम आएगा, वो लोग ना कम करेंगे, जो देखिए आपके मित्र जो है ना आपके लाइक माइंडेड होता है ज्यादातर चांसेस रहता है वो आप ही की तरह सोचते हैं, तो रेजिस्टेंस कम आएगा, ठीक है। और अगर वो लोग जुड़ गए, वो ऐसे भी आपके दिल के बहुत करीब है, अगर वो जुड़ गए तो सबसे बेस्ट पार्ट क्या है, वो आपके फ्रंटलाइनर्स हो जाएंगे, ठीक है। तो ये था थ्योरेटिकल पार्ट, अब हम चलेंगे प्रैक्टिकल पार्ट। ओवर टू कृष्णेंदु सर। कृष्णेंदु सर नाउ द स्टेज इज ऑल योर्स। थैंक यू दीपंकर, ऐसा नहीं है भाई एक ही साथ चलेंगे ना, वो तो है सर मैं वो तो बहुत बढ़िया ट्रेनिंग रहा, आप लोगों को कैसा लगा ये थ्योरेटिकल पार्ट प्लीज चैट करके कमेंट करके बताइए। सिर्फ सुनना नहीं है सर, चैट बॉक्स खोल दीजिए, सिर्फ सुनना नहीं है आप लोगों को, इसमें इन्वॉल्व होना है, राइट, इन्वॉल्व होना है और सबको इन्वॉल्व करना है ना। चलिए इन्वॉल्व हो जाओ, चैट एक बार देख लेते हैं कैसा लगा दीपंकर सर का। यस सेनावेल्ट, एक बार चैट में फटाफट लिख दो भाई, मजा नहीं आ रहा है, मतलब आ नहीं रहा है अंदर से मेरा, है ना। जितना अच्छा कमेंट मिलेगा उतना अच्छा ट्रेनिंग मिल जाएगा, है ना। ओके दीपंकर सर कमेंट आ रहा है? नहीं मुझे तो कुछ दिख नहीं रहा है, दो हैंड रेज दिख रहा है। ओपन नहीं था चैट को, ओपन कर रहा हूं। ओके और चैट बॉक्स ऑफ है, अभी ओपन कर दिया। हाँ okay. आप लोग बताइए कैसे लगा आपको ये थियोरिटिकल पार्ट जो सुने, इसको कुछ नोट किया आप लोगों ने? एक्सेलेंट। ओके चलिए इसको थोड़ा सा समराइज कर देते हैं, ठीक है ना, जो भी सीखा एकदम बढ़िया, इसी को समराइज करते हैं। पहले आपको शुरू करना कैसे है, पहले आपको शुरू करना है एक कॉम्प्लीमेंट देके, ठीक है, और वॉयस होना चाहिए स्माइलिंग और एनर्जेटिक। अगर आपका वॉयस में हंसी नहीं है, एनर्जी नहीं है, मतलब टेलीकॉलिंग होता है ना कभी कभी, कुछ कंपनी का टेलीकॉलिंग होता है, भाई मुझे 10 कॉल करना है 10 कॉल कर लिया, ऐसा नहीं है भाई, थोड़ा सा फील करो चीज को, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है कि भाई लिस्ट बनाया आज 20 कॉल करना है 20 कॉल कर लिया, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो थोड़ा सा मतलब कंट्रोल हो खुद के ऊपर पूरा सा पूरा एकदम तब, क्योंकि आप किसी इंसान को हेल्प करने जा रहे हो, है ना। सो यह पहले दिमाग में रहे, पहले दिमाग में क्या हो जाता है, आप हेल्प मांगने चल जाते
रहे हो, ये पहले तो दिमाग से हटा दीजिए, आप हेल्प करने के लिए जा रहे हो, ठीक है। सो एनर्जेटिक रहे, और पहले क्या करना है, उनसे पहले बातें करना है, बाद में अगर वैसा आएगा, टाइम आएगा तो बताना, नहीं आएगा तो मत बताना। ऐसा नहीं है कि पांच दिन ही करना है। और जो नए हो, मैं बोलूंगा पहले आप जान पहचान वाला लोगों के साथ करो स्टार्टिंग, ये ठीक है। पहले जान पहचान लोगों के साथ स्टार्ट करो, जैसे सर ने बोला, फिर धीरे 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 अनजान लोगों की तरफ बढ़ो, जिसमें आपका कॉन्फिडेंस भी हो जाएगा और आप प्रैक्टिस होते होते आपका इन्विटेशन और ज्यादा अच्छा हो जाएगा, ठीक है। और जब बात करने के टाइम में कॉन्फिडेंस होना चाहिए, मन में ये होना नहीं चाहिए, डर होना नहीं चाहिए कि भाई ना आए तो ना आए, ये सब डर भगा दीजिए पहले। क्या होता है, इन्वाइट करने के टाइम में आप घबरा जाते हो, इन्वाइट तो ऐसा करने के लिए मत करो, ऐसे बातें करते करते इन्वाइट हो जाएगा, ठीक है। और जैसे फिर जब वो उसका जो नीड पता चल गया, उसके साथ बातें करते करते एक ऐसा पॉइंट आया, हाँ वो एग्री कर गया, चलो ठीक है टाइम देने जा रहे, तब उसको टाइम दो, डेट दो, अगर वो डेट और टाइम को क्या करो एक बार फाइनलाइज कर लो। पर जब वो यस कर दिया टाइम देने के लिए, उसके बाद कनेक्शन डिस्कनेक्ट करने के बारे में सोचो, क्योंकि वो आपको पूछेगा कि थोड़ा सा बताओ आपको क्या लग रहा है, चलो हाँ बोल दिया, आप बहुत खुशी हो रहा है अंदर में, तो खुशी खुशी आप क्या करते हो, बोल देते हो। तो वो करना नहीं है, वहां से भागना है, ठीक है। यू आर इन हरी, जैसे सर ने आप लोगों को बताया, क्लियर, सबको समझ में आया, चलिए। तो यही चीज को करना है। कभी कभी क्या करते हो आप लोग कॉलिंग में, ये भी मैंने सुना कि उनका जो अभी करेंट प्रोफेशन है उनके बारे में खराब कुछ बोल देते हो, ऐसा बोलना नहीं है। बात सिंपल है, आपके साथ बातें करके किसी को ऐसा लगना चाहिए कि उनको अच्छा लग रहा है आपके साथ बातें कर, है ना। तो ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आपके साथ बातें करने का मन ही नहीं है, फिर भी आप उनको इन्वाइट करना है, मत करो, टाइम नहीं है, बात करना नहीं चाहता है। पहले ऐसा सिचुएशन क्रिएट करो कि आपके साथ बात करना चाहे कोई, अगर आपके साथ बात ही कोई करना नहीं चाहता, आपसे कोई कुछ नहीं लेगा, ठीक है ना। अगर आपके साथ बात करके उनको अच्छा नहीं लग रहा है, वो इंटरेस्टेड ही नहीं है, तो वो आपसे कुछ लेगा नहीं, टाइम वेस्ट मत करो वहां पे। तो ये तो था, बाकी प्रैक्टिकल करने का था। जो जो चीज नहीं करना है वो है प्लान मत बताना, कंपनी के बारे में मत बताना, ठीक है ना। वो अच्छा दोस्त है, उनको बोलेंगे तो वो करेगा ही करेगा, फिर भी नहीं बताना, क्योंकि ये सब गलती हम लोगों ने कर लिया, क्योंकि उनको बहुत ज्यादा नॉलेज है ये बिजनेस कैसा होता है, ठीक है ना। तो क्या होगा, जो प्रीवियस उनका नॉलेज था, उस नॉलेज के चलते वो नया कुछ सुनने ही नहीं चाहेगा। और ऐसे भी ह्यूमन बिहेवियर है कि वो रेसिस्ट करता है, कोई भी नया चीज लेने में वो रेसिस्ट करते है, आप भी करते हो, कोई भी नया चीज आप एक्सेप्ट नहीं करते हो, राइट। तो कोई भी ये करता है, ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। सो आप क्या करना है, हम लोगों को देखना है भाई इन्विटेशन होता कैसे है। तो मैं अपना वीडियो बंद कर रहा हूं, क्योंकि जब इन्विटेशन टेली इन्विटेशन होता है तो उसमें सिर्फ वॉयस जाता है, राइट। तो ये दिमाग में रहना रहे आप लोगों का कि भाई सिर्फ वॉयस से होता है वो, और टेली इन्विटेशन में ना बोलना बहुत ईजी होता है, क्योंकि सामने सामने नहीं होता है। फोन में झूठ बोलना भी बहुत ईजी होता है ना। चैट में लिखो कौन कौन फोन में झूठ बोल देते हो, हाँ रास्ते में हो बोलते हो, नहीं यहाँ पे हो, बाजार में हो, बाजार में हो बोल देते हो, नहीं दोस्त के हो करते हो ना। हाँ सोमनाथ, यस सोमनाथ, कार्तिक आमी, ओके ओके कार्तिक भूल करे, हाँ भूल करे सॉरी, मैंने फोने हमारा भूल बोली है, राइट। सो हमारा फोने जब कथा बोलबो ना मानुष भूल बोलबे, तो फोने इनविटेशन করা বা ফোনে কথা বলা এটা খুব ইন্টারেস্টিং, এটা ভালো করে আমাদেরকে শিখে নিতে হবে। আরেকটা কথা, যখন ফোন করছেন বুঝে নেবেন যার সাথে কথা বলছেন তার সাথেই কথা বলছেন কিনা। অনেক সময় দেখা গেছে পুরো কথাটা বলে নিলেন, তারপর দেখা গেল যাকে বলছিলেন সে না, আপনি যাকে বললেন সে তার ভাই, অনেক সময় এটা হয়। ওকে সো এটা খেয়াল করবেন, যদি আপনি মনে করেন তার গলাটা মনে নেই একবার একটু কনফার্ম করবেন, ওকে। আর যখন বাতচিত করবেন, जबन कदावत्ता, जब आप बातें करना चालू कर दोगे, ट्राई करो उनका नाम लेने का। मेरा क्या होता है, मैं नाम भूल जाता हूँ, मैं क्या करता हूँ, मैं नाम लिख लेता हूँ। मान लीजिए मेरा डाउनलाइन किसी के साथ बातें कर रहा है, मैं नाम भूल, इसलिए मैं लिख लेता हूँ। आपका आपके पास कोई चॉइस नहीं है, आपको जब बातें करना है तब उनको नाम लेना है, उनका नाम जितने बार चाहे आप लो, ठीक है। जैसे मैंने कुंतल सर के साथ बातें, जिसके साथ बातें करूंगा, सो बातों बातों में उनका नाम लो, क्योंकि एक ऐसा शब्द है जो जिसको सबको पसंद है, वो है कोई भी आदमी का उनका खुद का नाम, ये सुनो, है ना। सो उनका नाम लो भाई, तो उनका नाम लेना बहुत जरूरी है। ये है मोटा मोटी। तो आप किन के साथ किया जाए, चलिए शुरू करते हैं, तो ठीक है मैं वीडियो ऑफ कर देता हूं।
क्योंकि टेलीकॉलिंग तो टेलीकॉलिंग ही होगा, ठीक है ना। चलिए, जान पहचान वाला होने से सुविधा होता है, आप क्या करें, अभी तो जान पहचान वाला कोई है नहीं। चलो प्रदीप सावंतो, यस प्रदीप, आप कौन देखना चाहेगा, डेमो लेना चाहेगा, वो हैंड उठा लो, हैंड राइज कर लो। जितना भी आपके पास नेगेटिव हो, जितने भी आप मतलब आप कॉलिंग करते करते आपको ये सारा चीज आया, वो लोग हैंड रेज करो। प्रदीप सामंतो, यस प्रदीप सामंतो, अनम्यूट। दीपंकर सुना जाच्छे तो? हाँ सुना जाच्छे सर। ओके ओके, और एक जिनिस बोले दिच्छी, जार साथे कथा बोलबेन तार ল্যাঙ্গুয়েজে কথা বলতে হবে। ওকে, যদি এখানে বেঙ্গল ল্যাঙ্গুয়েজ আছে আমি বেঙ্গলিতে বলবো, যদি হিন্দি ল্যাঙ্গুয়েজ আছে আমি হিন্দিতে বলবো। এটা খুব জরুরি, যার সাথে কথা বলছেন তার লেভেলে নিজেকে নিয়ে যান, ল্যাঙ্গুয়েজ একটা ভাইটাল পার্ট। ওকে চলুন আমরা আগে বাড়তে থাকি। কেউ এসেছেন, আনমিউট হয়েছেন? হ্যাঁ প্রদীপ সামন্ত, ইয়েস প্রদীপ, হ্যালো প্রদীপ, ছেড়ে চলে গেছে দেখছি। ওকে সুসেন বিশ্বাস, সুসেন বিশ্বাস, হ্যাঁ দাদা, গুড মর্নিং, গুড মর্নিং সুসেন, গুড মর্নিং, ইয়েস সুসেন, সুসেন কেমন আছো ভাই? একদম খুব ভালো, তুমি? বাড়ির সবাই, বাড়ির সবাই, আমি তো ভালো ভাই। হ্যাঁ বাড়ির সবাই মোটামুটি চলছে। ওকে ডিয়ার ফ্রেন্ডস, আমরা যেটা করতে চাইছি, সুসেন আমার চেনা মানুষ, ওকে, আমরা একটা চেনা মানুষকে দেখাবো, একটা অচেনা মানুষকে করে দেখাবো। ওকে, তো প্রথম প্রথম চেনা মানুষের উপরে অ্যাপ্লাই করুন, চেনা মানুষের উপরে ডাইরেক্ট অ্যাপ্রোচ করা দরকার হবে না, ইনডাইরেক্ট অ্যাপ্রোচ করলেই হয়ে যাবে, ইজি ব্যাপারটা, চেনা মানুষের সাথে ব্যাপারটা অনেক ইজি। ওকে, আর অচেনা মানুষের সাথে অনেক সময় ডাইরেক্ট অ্যাপ্রোচ করা দরকার হবে। আমি একটা অচেনা মানুষও করে দেখাবো, দীপঙ্কর স্যার যেরকম যেরকম থিওরি দিয়েছেন ওইটাই অ্যাপ্লাই হবে। সুসেন ভাই, বাড়ির সবাই কিরকম আছে বললে? মোটামুটি ভালো, তাই তো? হ্যাঁ হ্যাঁ। আচ্ছা তোমার শরীর স্যার ঠিক আছে? হ্যালো হ্যালো হ্যালো, তোমার শরীর স্বাস্থ্য সব ঠিক আছে তো? হ্যাঁ মোটামুটি, একদম অতটা ভালো না। কেন, কি হলো আবার? মায়ের পায়ে প্রবলেম তো এর জন্য। হ্যাঁ একটু 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 ওখান থেকে সরে এসো, একটুখানি সরে এসো, আওয়াজ আসছে। হ্যাঁ মায়ের কি হয়েছে ভাই? মা মানে পড়ে গিয়ে একটু পায়ে চোট পেয়েছিল, তারপর থেকে মানে একটু ব্যথাটা অনুভব করে সবসময়। ও হো হো, কিভাবে পড়ে গেল? এমনি একটু ওয়েট বেশি তো। ও আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, এখন কেমন আছে মা? মোটামুটি আছে, হাঁটতে চলতে একটু কষ্ট হয়। সুসেন তুমি বলছো তোমার মা অনেক ওভারওয়েট, তাই তো? অনেক অনেক মানে অনেক ফ্যাটি হয়ে যাচ্ছে নাকি? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। তো তুমি এটার জন্য কিছু চেষ্টা করনি, কিছু ব্যবস্থা করার? মানে একটু থাইরয়েড আছে তো, এর জন্য থাইরয়েডের ওষুধ চলছে। ওকে ওকে, তা কতদিন কতদিন ধরে ট্রিটমেন্ট চলছে? তাও ম্যাক্সিমাম 14 বছর। আমি মিটিং দিচ্ছি, একটু পরে কল ব্যাক করছি। 14 বছর ধরে চলছে থাইরয়েড? হ্যাঁ হ্যাঁ ভাই, 14 বছর ধরে কেন চলছে? আমার আমাদের আমি জানি এরকম মানুষ থাইরয়েড ছিল, তাদের তো কত বছর লাগেনি ভাই, তাদের পুরো কি হয়ে গেছে? 14 বছর ধরে কোন ডাক্তার দেখছে ভাই? তোমার কি মনে হয় এই রোগটা, তোমার কি মনে হয় এই রোগটা সেরে যাবে? 14 বছর তো হয়ে গেল, কি মনে হয়? বুঝতে পারছি না, ডাক্তার একটাই কথা বলেছে যে যতদিন বাঁচবে না এই ওষুধ খেয়ে যেতে হবে। হুম হুম, কমতেও পারে আবার বাড়তেও পারে। তুমি কি মানে আশা ছেড়ে দিয়েছো যে না এইভাবেই ওষুধ খেয়ে বাঁচতে হবে, নাকি তুমি চাইছো যে না এরকম কোন রাস্তা যদি থাকে তুমি দেখতে চাইবে? অল্টারনেটিভ অনেক কিছু থাকে, ডাক্তার যা বলছে সেটাই তো শুনতে হবে। কারেক্ট কারেক্ট কারেক্ট, তো আমি বলছি যে এই এর বাইরেও ডাক্তারের কাছে যাওয়ার ডিসিশনটা তো তোমারই ছিল, তাই না, যে এই ডাক্তারের কাছে যাবো? ইয়েস অর নো? হ্যাঁ সেটা ঠিক, তুমি ডিসাইড করেছো, তারপরে ডাক্তার তোমাকে ডিসাইড করে যে কি দেবে, রাইট? তুমি কি অন্য কারো কাছে সাজেশন নেওয়ার জন্য ডিসাইড করতে পারবে যে না একটা সাজেশন নেই, আমার কাছে এরকম একটা জানালো আছে যে কিনা এই ধরনের একটা জায়গায় ভুগছিল, সে কিন্তু আজকে কিন্তু ভালো হয়ে গেছে, কিন্তু এখন ওষুধ খায় না। আমি চাই যে মা সুস্থ, তার তো কিছু না, সে ডাক্তার সেই ব্যাপারে কথা বলানোর জন্য তোমাকে একটু টাইম দিতে হবে ভাই, সেই লক্ষ্যে তো সবসময় পাবো না। আগামী মঙ্গলবারে 8:30 সময় তোমার কি একটা টাইম হবে, তাহলে আমি তোমার সাথে কথা বলিয়ে দিতে পারবো। মঙ্গলবার 8:30 সময় তো টাইম হবে না, আমি তারপরের দিন 11:00, তাহলে বুধবারে 3:30 টাইম করে দেখুন, উনি তো একটা এক্সপার্ট লোক, ওনার সঙ্গে তো ভাই তোমার টাইমে হবে না ভাই, উনি 3:30 থেকে 4:30 কথা বলবেন অনলাইনে। ওকে
তুমি যদি ইন্টারেস্টেড হও তাহলে আমি তোমার নামটা লেখাবো, তুমি জাস্ট তুমি ফ্রিতে কনসালটেন্সিটা পেয়ে যাবে, একটা আইডিয়া পাবে, আমার মনে হয় তোমার মা ঠিক হয়ে যাবে। সেটাই তো চাই, মা ঠিক হয়ে যাবে। আচ্ছা আমি চেষ্টা করব যে থাকার। সুসেন দেখো একটা লোকের থেকে অ্যাপয়েন্টমেন্ট নেবো, ওকে? সো হি ইজ এ এক্সপার্ট, চেষ্টা না। তুমি কি সিরিয়াস কি তোমার মাকে তুমি সুস্থ করতে চাও? অবশ্যই। তোমাকে ওই টাইমটা বের করতে হবে ভাই, ওই টাইমটা তোমাকে বের করতে হবে। আর আদারওয়াইজ তুমি যদি সিরিয়াস না হও তো তুমি আমাকে বলে দিতে পারো। আমার তোমার কথা শুনে মনে হলো তুমি 14 বছর ধরে ভাবতে পারছো, 14 বছরটা কত আর কত টাকা লেগেছে ওর পিছনে। অবশ্যই অবশ্যই, এটা ঠিক হয়ে যায় আগামী 6 মাস 1 বছরে তোমার বাকি মায়ের আর সামনের 24 বছর কিন্তু খরচাটাও হবে না এবং উনি কিন্তু সুস্থ থাকবেন। এবং সব থেকে বড় কথা দেখো, ওই মোটা হয়ে যাওয়া ব্যাপারটা থেকে আরো অনেক রোগ আছে, রাইট? বুধবারে 3:30 সময় তোমার টাইমটা আমি ফিক্স করছি, দেখি আমি তাও বলে দেখি, আমি তোমাকে ফাইনাল জানাবো এবং তোমাকে একটা লিংক দেবো, তুমি অনলাইনে ঢুকে যাবে। ভাই দেখো এখন সব অনলাইনে, এখন ডাক্তারও অনলাইনে, জানো তো। সুসেন তুমি এখনো সাথে থাকো। দীপঙ্কর স্যার নে ইয়ে সমঝা তো আপকো ফর্ম থিওরি অ্যাপ্লাই করনে কে লিয়ে ফর্ম মতলব ফ্যামিলি, দেখো ফ্যামিলি মে হি ইনভাইট হো গয়া, মানে মুঝে 3 স্টেপ জানে কা জরুরত নেহি হ্যায়, ইয়ে সমঝ লো, এসা মত সমঝো কি 4 স্টেপ ফলো করনা হ্যায়, নেহি হ্যায়, ফ্যামিলি মে হি ভাই হো গয়া। সুসেন সমঝ রহে হো না ভাই? হ্যাঁ হ্যাঁ। আপ দেখো আপকা এক জরুরত হে মেরে সাথে আমনে সামনে আ গয়া, আপ কোই ভি এসা হোগা হি নেহি কি আপ বলোগে নেহি, আপকো বলনা হ্যায়। সুসেন মান লো তুমি ইয়ে বোলা নেহি, ঠিক হ্যায়, চলো আগে বাড়তে, ঠিক হ্যায়, কারণে হচ্ছে না ঠিক মতন আর কি বলবো, কাজের এখন ঠিকঠাক হচ্ছে না, তাই তো? না না, বাড়িতে যে বিজনেস ছিল সেই বিজনেসটা এখন অনেকটা ডাউনে চলছে। আচ্ছা আচ্ছা, কি বিজনেস ছিল ভাই তোমাদের? মানে আমি বাড়িতে পাইকারি ফুচকার বিজনেস করি তো। ফুচকা? ওয়াও, ফুচকা তো আমার হেভি খেতে ভালো লাগে ভাই। হ্যাঁ আচ্ছা বুঝলাম, ফুচকা তো হেভি খেতে ভালো লাগে। সুসেন তোমার বাড়িটা কোথায় জানো? সুসেন আপ কোথায় রাখো? রানাঘাট। রানাঘাট? তো কি রকম ফুচকা ব্যবসা করলে, যাব ফুচকা যাব বেচ রাতে, মতলব ফুচকা যে বিজনেস হো রাহা তা তো কিতনা কামাই হো জাতা আপ কুছ আগার কুছ মতলব কিছু মনে করবে না তো? না না, তেমন ওই মাসে 30,000-35,000 এরকম আসছে। গ্রেট গ্রেট গ্রেট, ফ্যান্টাস্টিক। তো সুসেন ভাই জব চলেঙ্গে জব, ঠিক হ্যায়, রানাঘাট জব চলেঙ্গে ভাই, ফুচকা খিলানা মুঝে, ঠিক হ্যায় না? একদম একদম, আপ আ জানা বহুত ফুচকা হ্যায়। আচ্ছা সুসেন এক বাত বতাও, আবি তো ফুচকা তোমারা বন্ধ চল রহা হ্যায়, তো अगर अभी कुछ दूसरे काम के बारे में आप सोचे नहीं क्या? नहीं सोचे अभी तक? वो तो सोचा नहीं, लेकिन कुछ तो करना ही पड़ेगा। ओके ओके, तो अगर कुछ ऐसा दूसरा कोई बिजनेस क्या करना चाहोगे आप, जॉब करना चाहोगे या बिजनेस ही करना चाहोगे? जॉब की तो बहुत कंपटीशन चल रहे और उसके लिए मेरा उतना पढ़ाई लिखाई नहीं किया और ओके, तो तुम बिजनेस ही प्रेफर करते हो भाई, राइट? हाँ, वो तो बिजनेस तो है लेकिन उसमें इन्वेस्टमेंट का ज्यादा यह होता है ना। ओके ओके ओके, सुसेन मैं रानाघाट में एक ऐसा बिजनेस डेवलप करने के लिए जा रहा हूँ, ठीक है ना? सो रानाघाट में मेरा एक बिजनेस ऑलरेडी चल रहा है, तो रानाघाट में मैं एक फ्रेंचाइजी ओपन करना चाहता हूँ, किसी को ऐसा ढूंढ रहा हूँ जो फायदा मतलब जो विश्वस्त हो, ठीक है, और जो सीरियस हो और ऑनेस्ट हो। सो ऐसा अगर कोई आपका दोस्त अगर होगा तो उनके लिए भी, ठीक है, तो ऐसा कोई होगा तो आप बोल सकते हो। मैं क्या, अच्छा बहुत अच्छा हुआ आपके साथ आज बात करके, क्योंकि मैं भी जा रहा था रानाघाट में, मेरा एक ब्रांच ओपन होने जा रहा है, मतलब मैं एक किसी को ढूंढ रहा हूँ, एक पार्टनर ढूंढ रहा हूँ। तो आप चाहे तो ठीक है, नहीं तो आपका कोई दोस्त का नाम भी आप रेफर कर सकते हो। वैसे ही क्या? हाँ बोलो। मैं तो चाहता हूँ क्योंकि मेरे पास अभी काम नहीं है, काम के लिए ढूंढ रहा हूँ,
तो क्या आप खुद इंटरेस्टेड हो कि कोई दोस्त को कि ये ऑप्शन दोगे? मैं तो इंटरेस्टेड हूँ, अगर और कोई किसी को लगेगा तो मैं जरूर प्रेफर ओके तो एक काम करो सुसेन भाई, तुम एक काम करो फिर, अभी तो उतना टाइम अभी टाइम है ना तुम्हारे पास, मतलब देखो बिजनेस करोगे तो टाइम तो देना पड़ेगा है ना? वो तो बिल्कुल टाइम तो देना ही पड़ेगा। तो टाइम अगर होगा तो फिर एक काम करो, कल सुबह 11 बजे मैं एक लिंक भेजूंगा, तुमको तो आता है ना, मतलब स्मार्टफोन तो यूज करते हो ठीक है ना? जूम वूम सारा यूज हो रहा है अभी, तो जूम में एक ऐसा एक प्रेजेंटेशन है, तो तुम आधा घंटा टाइम करके ये देख लो पहले ठीक है भाई। एक बात पूछो। हाँ बोलो सुसेन। आप ये इजीली कहते हो ये कोई फ्रॉड तो नहीं है भाई? मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, पहले देख लो ठीक है ना, फिर पूछेंगे, क्योंकि देखो पार्टनरशिप जब होगा तो मेरा जो हाथ पकड़ोगे आप तो जरूर देखोगे है ना, वो तो है कि नहीं? फर्स्ट पार्ट में ये समझने के लिए बिजनेस है क्या, करना क्या है, पैसा कितना आएगा, ये समझने के लिए ही ये प्रेजेंटेशन है, पहले देख लो। क्योंकि इसको ये क्वेश्चन मैंने पूछा है क्योंकि इस क्या बोलू, तुम हमें जिज्ञासा करो भाई दादा की बिजनेस है तू बोलू ना, करो क्वेश्चन करो, तुम बांग्ला करो हम हिंदी तो बोल। हां दादा ये बिजनेस का किसके ऊपर है बुझने में कुछ बिजनेस राइट सुसेन भाई तुम्हारे अकाउंट काज नहीं तुम्हें बोले राइट, तुम्हारा अभी 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 इनकम खराब है, बहुत खराब है ना, अभी इकोनॉमिक कंडीशन खराब है, अभी चॉइस मत करो, कोई अगर अपॉर्चुनिटी आ रहा है, कोई अगर सुझाव तुमको दे रहा है वो पहले देख लो ठीक है ना, मैंने क्या बोला आपको, पहले देख लो उसके बाद बातें करेंगे ठीक है। सो तुम जेन्युइनली इंटरेस्टेड हो कि नहीं, क्योंकि अभी मेरे पास टाइम नहीं है भाई, एक कॉल बहुत टाइम से आ रहा है मेरा, और एक पार्टनर मुझे फोन कर रहा है, समझ रहे हो ना? अभी टाइम खाली हो तो कल का जो टाइम है 11 बजे भाई मिस मत करना ठीक है? मैं जरूर आऊंगा, क्योंकि ये ऑप्शन चला गया तो फिर आएगा नहीं ठीक है, पहले देख लो उसके बाद, क्योंकि मैं तुम्हें पार्टनर बनाऊंगा तो टाइम तो जरूर दूंगा है कि नहीं, क्योंकि फोन में ये सारा चीज समझाना पॉसिबल नहीं है भाई है ना, सबको सुविधा हो तो मैंने ओके सुसेन एक काम करो तुम, अभी तो हम लोग फोन में बातें कर रहे हैं ना है। तुम काम करो मुझे फोन में एक फुचका खिला दो, मैं तुम्हें पैसा ट्रांसफर कर रहा हूँ कैसे होगा ये? क्यों नहीं होगा, एक प्लेट फुचका भाई कितना होता है, मैं दे रहा हूँ तुमको, तुम दो फुचका दो फोन में, क्यों नहीं होगा? राइट, जैसे आप फोन में फुचका नहीं भेज सकते ऐसे फोन में बिजनेस भी नहीं होता है, बिजनेस को देखना है आपका स्क्रीन पे चलेगा वो चीज देखना है आपको, समझ रहे हो भाई? राइट राइट, सो कल के 11:30 আমি লিংকটা তার আগে দিয়ে দেব, তুমি ঢুকে যাও ওকে? হ্যাঁ আমার খুবই কাজের প্রয়োজন, একদম 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 100% ভাই, আমি বুঝতে পারছি ভাই, আমি সমঝ সকতে হু, লেকিন এক ফোন আ রহা হ্যায় সুসেন ঠিক হ্যায় না, আবি কাল বাতে করতে চলিয়ে ঠিক হ্যায় না? ঠিক হ্যায় ঠিক, টাটা, থ্যাংক ইউ সুসেন, থ্যাংক ইউ। সো সুসেন তুমি তো আমাকে নেগেটিভ দিতে পারছ না, নেক্সট কাউকে দেখি কে নেগেটিভ দিতে পারে, না চায়। আমি বলতে চাইছি আমরা কথা বলতে বলতে তাকে কোশ্চেন করতে করতে এমন একটা জায়গায় নিয়ে যাব সে আর নেগেটিভ বলতেই পারবে না, ওকে? কোনো নেগেটিভ হবেই না, নেগেটিভ হবে কখন, নেগেটিভ হবে প্ল্যানসও দেখার পর, আপ লোক ইনভাইটেশন মে প্ল্যান বাতা দেতে হো কি নেই ও পহলে দেখো, প্ল্যান বাতানা নেই ঠিক হ্যায় না, মানে কুছ বাতায়া উনকো? চলিয়ে আবি কোন বাতে করনে চাহেগা স্যার? কল্যাণী সামন্ত। কল্যাণী সামন্ত আমার বোন আছে। আচ্ছা ঠিক আছে ওকে, আচ্ছা তাহলে খুশি, ওকে ওকে ওকে, নিয়াও কিছু নেগেটিভ, যদি কিছু নেগেটিভ দিতে পারে তো অসুবিধা নেই, নিয়াও। আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে, আনমিউট করলো, ফার্স্ট টু আনমিউট। সো ডিয়ার ফ্রেন্ডস আপনারা দেখছেন টেলি ইনভিটেশন, ইয়েস ইয়েস কল্যাণী, গুড মর্নিং, গুড মর্নিং, গুড মর্নিং। হ্যাঁ শুনতে পাচ্ছি, শুনতে পাচ্ছেন? হ্যাঁ হ্যাঁ, সো ইয়েস ইয়েস হ্যালো। সো ডিয়ার ফ্রেন্ডস, যদি আপনার চেনা কারো কোনো মানুষকে ফোন করছেন হঠাৎ করে অফিসিয়াল হয়ে যাবেন না, যেমন ভাবে করছিলেন তেমন ভাবে করুন, ও আমার বোন হয় ওকে আমি তুই বলি, এখন আমি তুইই বলবো ওকে। অনেকে কি করে ভাবছে যে আমাকে প্রফেশনাল হতে হবে, একদম সবকিছু রুল মেনে করতে হবে, নো, ও টেনশনে পড়ে যাবে, দাদা হঠাৎ এরকম কেন কথা বলছে। তা কল্যাণী বল তোর খবর কি? আমি তো ভাই ফ্যান্টাস্টিক আছি,
বিন্দাস তা তোর তাহলে তোর তাহলে স্কুল কলেজ নেই দেখুন ও তো বলেই দিয়েছে স্কুল চলছে না বেকার দেরি করে লাগবি ইনভাইটটা করে দিই এসন দেখুন কি করা যায় কিভাবে হয় তো তুই তো মোটামুটি একটা স্কুলে কামাতিস তাহলে তোর এখন চলছে কিভাবে তুই ভালো গান জানতিস তুই ভালো পড়াতে পারিস তুই তোর মধ্যে একটা মোটিভেশন আছে তুই একটা পজিটিভ মেয়ে তুই নিজের ক্যারিয়ার বানাতে চাস তুই আর কিছু ভাবছিস না এতদিন করেছি নিজের হাজবেন্ডের থেকে কিছু নেই না এখন যদি না মানে নিতে তো আর ভালো লাগছে না নিজের যেমন ভাবে খরচ করেছি সেটাই করতে চাইছি কিন্তু কি করা যাবে এরকম কি কি করতে চাইছি আর কি ওকে 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 কোনো অসুবিধা নেই দেখ আমার তো অনেক জায়গায় অনেক কিছু থাকে সোর্স এক কাজ করছি আমি দেখছি তুই কিছু কি কিছু ধরনের কাজ কি করতে চাইবি বাড়ি থেকে হতে পারে বা সামান্য একটু সময় দিয়ে করা যেতে পারে তুই কি এরকম কিছু করতে চাইবি তাহলে আমি দেখব হ্যাঁ করতে তো চাই সময়ও দিতে পারবো আমার কাছে খোঁজ খবর নেবো আমি তো জানি দিন পরে তোর সাথে কথা হচ্ছে আমারই ভুল হয়েছে তোকে কল করা উচিত ছিল লকডাউনে তো যাই হোক আমি এই খোঁজ নিচ্ছি কে কেমন আছে তুই এক কাজ কর আমি তোকে জানাবো বুঝলি তো তুই তাহলে ইয়ে কর আমি তোকে আমি পরে ফোন করবো কালকে হ্যাঁ কালকে একটা ফোন করবো বলছি কি ধরনের কাজ একটু বলো আমি কি বললাম তোকে আমি তো দেবো আমি তো দাদা ওই নিশ্চয়ই এমন কোনো কাজ দেবো না যেটা তোর পক্ষে খারাপ হবে আর যেটা যেটা ইললিগাল হবে সেটা দেবো না হ্যাঁ ওই ওই ব্যাপারে রাইট 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 আমার এই ব্যাপারে এখন আমার কাছে কাজ নেই তোকে আমি জেনে বলবো খোঁজ খবর নিয়ে তোকে আমি কালকে ফোন করবো ওকে আরে কল্যাণী শোন তোকে বলেছিলাম না একটা কাজের কথা আরে একটা ফ্যান্টাস্টিক একটা পেয়েছি তোর থেকে জানাশোনা তুই এক কাজ কর তুই এক্ষুনি না এখন কটা বাজে আটটা বাজে তো আটটা বাজে তুই এগারোটার সময় তোকে একটা লিঙ্ক পাঠাচ্ছি তুই না জয়েন কর বুঝলি তো ইমিডিয়েট জয়েন কর এগারোটার সময় তোকে বললাম না একটা সুযোগ এসছে এরকম তুই অবশ্যই জয়েন কর আমি লিঙ্কটা তোকে পাঠাচ্ছি বুঝেছিস আরে আমিও ঠিকঠাক জানি না তোকে লিঙ্কটা পাঠাচ্ছি তুই ঢুকে যা ওটা ঢুকে যাই সুযোগটা আর পাবি না তারপরে মিটিংটা আমি ঢুকছি আমিও ঢুকছি মিটিংটা ঢুকে তারপরে কথা বলবো আমিও ঢুকছি শুনে নি তারপরে কথা বলবো আমিও ঠিকঠাক জানি না আমিও নিজে শুনতে চাচ্ছি একটা ভালো একটা কাজের অপশন এসছে ঠিক আছে লিঙ্কটার মধ্যে ঢুকে যা অনলাইনে একটা প্রেজেন্টেশন আছে বলছি লিংকটা কি করে দেখব আমি লিংকটা আমি তোকে হোয়াটসঅ্যাপে পাঠাচ্ছি তোর মোবাইলে মোবাইলে জুম আছে তো না না আমার তো জুম নেই কিন্তু তাহলে কি করে দেখব তাহলে আমি এক কাজ করছি আমি না তোকে জুমের লিংকটাও পাঠাচ্ছি ওইটা প্রথমে ইনস্টল করে নে ইনস্টল করার সময় যদি অসুবিধা হয় আমাকে ফোন করবি ঠিক আছে ইনস্টল করে নে তারপরে তুই ওই যে লিংকটা দিলাম ওখানে টাচ করবি তুই মিটিংটা ঢুকে যেতে পারবি ওকে তুই আগে তোকে আমি দিয়ে দিচ্ছি তুই আগে অ্যাপটা ইনস্টল কর চল রাখছি কেন বলতো আরো দু একদম জানাতে হবে একটা ভালো সুযোগ পেয়েছি তো ঠিক আছে ঢুকে যা আগে চল টাটা ওকে 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 তো ফোন কাট ফোন কাট তো এবার যেটা আমি বোঝাতে চাইছি দেখুন সেই দিনেই করতে হবে এমন নেই আমি কি করলাম আর দুদিনের কথা বলে ডিফারেন্সটা বুঝুন লাস্টের দিনে আমি হাড়ি ক্রিয়েট করলাম ও আমাকে আর জিজ্ঞাসা করার সাহস পাবে না আমার গলার মধ্যে ওই টোনটা এলো ওই ভাইব্রেশনটা এলো যে ভাই একটা এক্ষুনি সুযোগ পেয়েছি তুই এক্ষুনি ঢোকে টাইম দেওয়ার দরকারই নেই না পারলে তোর গেল ও অন্য কাজ ফেলে দেখবে দিস ইজ দা রুল দিস ইজ দা রুল কিছু রুল নেই মানুষের কাছে প্রায়োরিটি যেটা তার কাছে দামি যেটা তার কাছে ইম্পর্টেন্ট সেটা সে করে ও রান্নাটা আগে করবে কি পরে করবে আপনার জানার দরকার নেই ডিয়ার ফ্রেন্ডস উল্টো দিকের অসুবিধাটা আপনি যদি ভাবেন তাহলে এই কাজটা করতে পারবেন কোনো অসুবিধা নেই আপনি কি ওর ক্ষতি করতে যাচ্ছেন এ বাবা রান্না হবে না ওর বর তো ওকে ছেড়ে দেবে এটা ভাবলে আর হবে না
আশা করি বোঝাতে পেরেছি দীপঙ্কর স্যার। হ্যাঁ অসাধারণ অসাধারণ। আচ্ছা একজন লিখছে সে নেগেটিভ দেবে আপনাকে, অনির্বাণ দাস বলে। আচ্ছা হিন্দি হিন্দি করছে তাহলে, কেউ হিন্দি ল্যাঙ্গুয়েজ হলে অ্যাকচুয়ালি ল্যাঙ্গুয়েজটা সেম হোনা হয় ভাইয়া, জো জো ভি বোল রহে হো অ্যাকচুয়ালি হিন্দি মে ওহি বাতা রহা হু জিসকে সাথ বাতে কারণ হ্যায় উনকা ল্যাঙ্গুয়েজ মে আপকো জানা পড়েগা, তো জো বেঙ্গলি আয়েগা উসকে সাথ বেঙ্গলি মে হি বোলনা হোগা। আচ্ছা নেগেটিভ দেবো, আকা অনির্বাণ দাস কে নেগেটিভ দেবে, ওকে নিয়ে নাও অনির্বাণ দাস। অনির্বাণ দাস আস্ট অন মিউট অনির্বাণ দাস। হ্যাঁ স্যার হ্যালো। ইয়েস হ্যাঁ স্যার গুড মর্নিং। গুড মর্নিং অনির্বাণ, গুড মর্নিং। হ্যাঁ স্যার গুড মর্নিং। অনির্বাণ তুমি কি রকম চাইছো, মানে তোমার সঙ্গে আমার রিলেশনটা একটু বলো তাহলে আমি সেরকম বলবো। স্যার আমি বলছি স্ট্রেঞ্জার হিসেবে, অ্যাজ এ স্ট্রেঞ্জার। স্ট্রেঞ্জার আপনি আমায় এফবি থেকে পেয়েছেন। ওকে 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 এফবি থেকে তোমাকে পেয়েছি তাই তো। আচ্ছা তোমার তোমার প্রফেশন হচ্ছে স্টুডেন্ট, তুমি কোথায় থাকো? আমি খড়গপুর। খড়গপুর থাকো, কিসের স্টুডেন্ট? আমি এই ক্লাস 12 এ পড়ছি। ক্লাস 12 এ কোন সাবজেক্ট? আর্টস। আর্টস কেন কি এটা ফেসবুক থেকে আমি অলরেডি জেনে যাব, সেটাই আমি কালেক্ট করছি তোমার থেকে। ওকে আর্টসে পড়ো, বাড়িতে কজন আছে ফ্যামিলিতে? কেন কি আগে তোমার থেকে আমি চ্যাট করেছি, বাড়িতে ফ্যামিলিতে কজন আছে? বাড়িতে বাবা মা বোন আমি চারজন। তুমি বোনের থেকে বড়, বোন তোমার পরে রাইট? এক্স্যাক্টলি। বাবা কি করেন? বাবা রেলওয়েতে কাজ করেন। রেলওয়েতে কাজ করেন, ফ্যান্টাস্টিক। মা বাড়িতে থাকেন তাই তো? মা হ্যাঁ হাউসওয়াইফ। তো ইউ আর এ স্ট্রেঞ্জার, মানে জাস্ট স্ট্রেঞ্জার বলবো না, ফেসবুক থেকে আমি বারবার বলছি একদম ডাইরেক্ট স্ট্রেঞ্জার প্রথমেই অ্যাপ্লাই করবে না। ফেসবুক থেকে চ্যাট হয়েছে, কথা হয়েছে, এই কথাগুলো আমি তোমার থেকে জানতে পেরেছি ভাই রাইট। আর আমি বারবার বলছি যেগুলো ফর্মুলা শিখিয়েছে সেগুলোই কিন্তু অ্যাপ্লাই হচ্ছে, আপনারা জাস্ট ফলো করুন ফর্মুলাগুলো অ্যাপ্লাই হচ্ছে কিনা। ভাই শোনা যাচ্ছে অনির্বাণ? হ্যালো দীপঙ্কর। দেখছি আমি অনির্বাণ মিউট হয়ে গেছে বলছে, দেখছি আমি। আস্ট ওয়ান মিউট অনির্বাণ। হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ স্যার চলে এসছে। ইয়েস ইয়েস অনির্বাণ শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ স্যার শোনা যাচ্ছে। ওকে ওকে চলো তাহলে কলটা আমরা শুরু করি রাইট। একদম স্যার। সো তুমি প্রথমে হ্যালো বলো। হ্যালো স্যার। অনির্বাণ আমি কৃষ্ণদুয়া বলছি, ওই যে ফেসবুক থেকে তোমার পরিচয় হয়েছিল মনে পড়ছে, চ্যাট করছিলাম, তুমি তোমাকে নম্বর চাইলাম, তুমি নম্বরটা দিলে। হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার বলুন বলুন। হ্যাঁ অনির্বাণ কেমন আছো বলো? আমি তো ভালো আছি ভাই। আমিও আছি, আমিও ভালো আছি স্যার। অনির্বাণ তুমি তো খড়গপুরে থাকো রাইট? এক্স্যাক্টলি হ্যাঁ স্যার খড়গপুর। ভাই খড়গপুরের বিখ্যাত জিনিস কি বলো তো, আমার খেতে খুব ভালো লাগে, কিছু ভালো খাবার আছে? স্যার এখানে খড়গপুরে অনেক ভালো ভালো খাবার আছে, ফুচকা আছে, এখানে মিষ্টি আছে, অনেক রকমের খাবার পাওয়া যায় এখানে। আর খড়গপুর তো একটা হিস্টোরিক্যাল সিটি আমি যতদূর জানি, মানে অনেক কিছু দেখার জায়গাও আছে বোধহয় না? হ্যাঁ এখানে অনেক জায়গা আছে, এখানে খড়গেশ্বর মন্দির আছে, অনেক দেখার হিস্টোরিক্যাল জায়গা আছে, আইআইটি আছে। ওকে তো আমি সেটা শুনেছি ওই জন্য তা যাই, আমি খুব ইন্টারেস্টেড তোমার শহরে যাওয়ার জন্য। তা তুমি তোমার কাছ থেকে কি ইনভাইট পাবো, কবে যাবো? একদম স্যার আপনি যখন মানে যখন মন করেন চলে আসবেন এখানে, কোনো অসুবিধা নেই। আরে তোমাদের বাড়িতে কবে যাবো বলো, তুমি যেদিন বলবে সেদিনই যাবো, তোমার বাড়ি যাবো ভাই আমি কি বলতে পারি? আপনি আপনি কোথা থেকে বলছেন? আমি তো কলকাতা থেকে ভাই। আচ্ছা কলকাতা কোথায়? কলকাতা বাগুইআটিতে থাকি। আচ্ছা 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 তোমার সাথে তো চ্যাটিং হলো ঠিক না? না দেখো ফেসবুকে তো অনেকে অনেকে তো অ্যালাউ করে না তাই না? একদম হ্যাঁ ফেসবুক থেকে তো অ্যালাউ করে না, সো ওই জন্য তোমার সাথে তুমি যদি ইন্টারেস্টেড হও তাহলে যাবো একদিন দেখা করতে, কারণ আমি খুব ইন্টারেস্টেড, বিভিন্ন জায়গা ঘুরতে আমি খুব ভালোবাসি। তুমিও কি ঘুরতে ভালোবাসো? একদম ঘুরতে মানে খুব ভালো লাগে, ঘুরতে ভালো লাগে। কোথায় কোথায় গেছো ঘুরতে? আমি পুরী গেছিলাম, তারপরে দার্জিলিং গেছি। পুরীর তোমার কোনটা ভালো লাগে, সমুদ্র নাকি পুরীর মন্দির? পুরীর মন্দির ভালো লাগে, মন্দির সমুদ্র দুটোই ভালো লাগে। কোনটা সব থেকে ভালো? কোনটা সমুদ্র? আমার তাই, আমিও বেশি বেশি টাইমটা সমুদ্রের ধারেই কাটাই, তোমার সাথে আমার মিল আছে ভাই। আমার ভীষণ ভালো লাগে সমুদ্র। ওকে মানে আমি বসে বসে সাইডে বসে বসে কাঁকড়া ভাজা খেয়ে খেয়ে টাইম কাটিয়ে দিয়েছি অনেক। হ্যাঁ বিচেতে ভাজা খেলে ভালো হয় না? একদম দারুন। তোমার বাড়িতে আসতে চাইবো, তোমার যদি অসুবিধা না থাকে, তোমার বাবা মার সাথেও পরিচয় করে আসবো। আর তুমি বলো কলকাতা থেকে তোমার জন্য কি নিয়ে যাবো, তোমার কি পছন্দ সব থেকে? স্যার কিছু আনতে হবে না, কিছু আনতে হবে না না, তারা তুমি চাইছো না আমি যাই,
না স্যার একদম আপনি আসুন, আমি চাইবো না এরকম হয়। দেখো আমি চাইছি এমন একটা কন্ডিশন তোমাকে তৈরি করতে যে তুমি সেটা চাইবে আর আমি সেটা নিয়ে যাব, আর তুমি আমাকে না করতে না পারো, তাহলে আমার যাওয়ার একটা মকসদ তৈরি হবে ভাই, হ্যাঁ কিনা বলো। প্রথমবার তোমার কাছে যাচ্ছি ভাই, কিছু তো নিয়ে যাবো। রসগোল্লা খেতে ভালোবাসো? একদম স্যার। হ্যাঁ রসগোল্লা নিয়ে যাই? হ্যাঁ স্যার। মিষ্টি ভালোবাসো তো নাকি? হুম। তাহলে বাঙালি হয়ে ভাই মিষ্টি তো ভালোবাসবেই। তাহলে এক কাজ করো, তুমি এক কাজ করো, 15-20 মধ্যে আমি এক্সাক্ট ডেটটা বলতে পারবো না, আমি ওখানে পৌঁছে যাই। ওকে আমি আমি যাবো, ফোর হুইলারে যাবো, পৌঁছে যাই। তো তোমার ওই টাইমে এমনি খালি আছে তো এখন নাকি খুব চাপ পড়াশোনার? স্যার জুলাই 15 তারিখে আসবেন স্যার, জুলাই 15 থেকে 20 মধ্যে আমি ওখানে বিজনেস ট্রিপে যাবো। ওকে আমি একটা বিজনেস করি, তুমি একটা বিজনেস ট্রিপে যাবো। স্যার বিজনেসটা কিসের ব্যাপারে? বিজনেসটা একটু মানে বলে পড়াশোনা করছো, তুমি এখন পড়াশোনা করছো, বিজনেসের ব্যাপারে জেনে কি করবে, চাকরি করবে, এইসব জেনে কি করবে ভাই? না একটু তো আইডিয়া হয়ে যেত কিসের ব্যাপারে বিজনেসটা। দেখো তোমার বাবা চাকরি করেছেন, তুমিও নিশ্চয়ই চাকরি করতে চাইবে, তোমার শুনে লাভ কি বলো? আমি বলতেই পারি, সেটা ব্যাপার না। ওকে আমি বলতেই পারি, বাট তোমার তো একটা রিজন থাকবে শোনার। চলো আসবো তো, এসে কথা হবে, বলবো না বলার কি আছে, তাই না? চুরি চামারি কিছু করি না ভাই, ভালো কাজই করি। ওকে স্যার এটা কি MLM বা নেটওয়ার্ক মার্কেটিং ওরকম ব্যাপার কিছু? না না আমার ওইসব নিয়ে কোনো কাজ নাই ভাই, আমি ওটা গিয়েই তোমাকে বলবো। তুমি তো আমি তো যাবো, ঠিক আছে, ফোনে তো ওইভাবে ডিসকাস করে হয় না, সামনাসামনি যাবো কথা বলবো। বিজনেস নিয়ে কথা বলতে যাবো না, আমি যাবো তোমার সাথে, আমি যাচ্ছি বিজনেস ট্যুরে, আমি যাচ্ছি তোমার সাথে দেখা করতে, আমার একটা ফেসবুক ফ্রেন্ড, আমি যাচ্ছি দেখা করতে, ঠিক না? সিম্পল একদম স্যার, কোনো বিজনেসের কোনো ব্যাপারই নেই। আর MLM ব্যাপারটা কি আমি তো ঠিক জানি না, কি ব্যাপার ওটা, MLM টা কি জিনিস, তুমি কিছু বিজনেস করো নাকি? না MLM টা মানে আমিও জানি না ঠিক কতটা, ওই আমি ফেসবুকে দেখি অনেক MLM মার্কেটিং করে কি এখানে লোক জয়েন করাতে হয় এসব। ওকে ওকে তো তাহলে কাজ করো না, তাহলে কাজ করো, তাহলে আমরা আসি, এসে কথা হবে, একটু গল্প গুজব হবে, কিন্তু তোমার বাবাকে থাকতে বলো ভাই, নাহলে আমি যাবো না। ওকে তাহলে মনে হবে কে না কে চলে এসেছে, পরিচয় করা খুব দরকার। হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার একদম, ঠিক আছে, তোমার মায়ের হাতে এক কাপ চা খেয়ে আমি চলে আসবো। সিম্পল নিশ্চয়ই স্যার, ঠিক আছে না? একদম স্যার যাবো, তোমাকে তোমার জন্য মিষ্টিটা নিয়ে যাবো, আলাপ আলোচনা হবে, চা ফা খাবো, আমি আবার আমার কাজে বেরিয়ে যাবো। সিম্পল একদম একদম স্যার, ঠিক আছে চলো তাহলে 15-20 তারিখের মধ্যে টাইমটা একটু খালি, তোমাকে আমি ডেটটা বলে দেবো যাওয়ার আগে কবে যাবো। ওকে আমার আচ্ছা স্যার ঠিক আছে, সেদিন হাফ বেলা আমার খালি হবে, সেদিন আমি যাবো। হ্যাঁ ওকে স্যার ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ অনির্বাণ, থ্যাংক ইউ, তোমার সাথে কথা বলে খুব ভালো লাগলো অনির্বাণ, থ্যাংক ইউ স্যার, আমারও ভালো লাগলো আপনার সাথে কথা বলে, থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ, চলো পরে কথা হবে। হ্যাঁ ওকে স্যার। তো অনির্বাণ যেটা আমি বলতে চাই যে এই এই ইনভাইটেশনটা এখানে শেষ হলো, ভালো করে বুঝতে হবে আমাকে ফেসবুকে তে হয়েছে, প্রথমেই তাকে বিজনেসই বলতে হবে এমন কথা নয়। তুমি আমাকে কিছু নেগেটিভ দিতে পেরেছো? তোমাকে কোনো সুযোগ দিয়েছি আমি? না স্যার। ভালো, তোমার ঘরে আমি ইনভাইটেশন নিলাম কি নিলাম না? স্যার নিয়ে নিছো 100%। এবার একটা এবার একটা কথা বলে আমি মিষ্টি নিয়ে যাবো, তুমি তো ফেসে গেলে। হ্যাঁ করলাম ব্যাপারটা, দেখো সিম্পল জিনিসটা বলবো, আমাকে ইনভাইটেশন নিতে হবে, বিজনেসেই আনতে হবে, আমি তো এটা একটা ইনভাইটেশন মানে কি একটা প্রথম, সে তো নাও নিতে পারে বিজনেস আমার থেকে, আমি তোমাকে যাচ্ছি গিয়ে কথা হবে, তুমি আমার গাড়িটা দেখবে, গাড়িটা দেখবে ভেস্টিজের লোকে বলবে এটা কি, আমি বলবো এটাই তো তোমাকে আমি ফোনে বলতে পারতাম, এখন বলবো চলো বসি, চলো চা দাও, চা খাই আগে, বুঝতে পারছি কি বলছি? বাবাকে ডাকো, বাবাকে বলবো, তোমার কনফিডেন্স আসবে, ফোনে যদি লুকো চুরি করে বলি না তোমার কনফিডেন্স, যখন তুমি আমি যখন তোমাকে বললাম তোমার বাবাকে থাকতে বলো, তোমার কনফিডেন্স হলো কি হলো না যে লোকটা জেনুইন? আমি করেছি তোমাকে তোমার জায়গার সাথে আমি কানেক্ট করলাম নিজেকে, তোমাকে আমি পুরী নিয়ে গেলাম, যখন পুরীতে আমরা বিচে বসেছিলাম আমাদের মনে খুশি খুশি ভাবে এসেছিল দুজনেরই, এবং আমরা দুজনে স্মাইলিং ভয়েস হলো, ঠিক আমরা দুজনে কিন্তু এক জায়গায় চলে এলাম, তুমি আর উল্টো দিতে পারবে না। ইনফ্যাক্ট স্যার আমার সত্যি সমুদ্র ভালো লাগে, এখন না আমি তোমাকে ভুল বলেছি স্যার, তোমার কনফিডেন্স থেকে মানে আমি যেরকম আগে থেকে প্ল্যান করেছি সব উল্টো পাল্টা হয়ে গেছে আমার, মানে যেরকম আমি প্ল্যান করে রাখছি সব বললো, সব চান্সই পাইনি আমি কিছু বলার, তার মধ্যে কিছু কিছু বলতে পেরেছি। অনির্বাণ আমি যেটা শিখতে চাইছি, তুমি যেমন চাইবে সামনেওয়ালাকে সেই সেই কোশ্চেন করবে, আমি কিছু কোশ্চেন করেছি তোমাকে ইন্টারেস্টিং, যদি এটা রেকর্ডিং থাকে পরে শুনবে, আমি কিছু ইন্টারেস্টিং করেছি কোশ্চেন করেছি তোমাকে যেটাতে তুমি ইনভলভ হয়ে গেছো। হ্যাঁ তোমাকে আমি পুরী ঘুরিয়েছি, পুরী মন্দির ঘুরলাম, দুজনে মিলে বসে থাকলাম, কাঁকড়া ভাজা খেলাম, এগুলো বললাম কেন? এবং এটা আমি মন থেকে বলেছি, এটা কিন্তু আমি জানি না, এটা আমি বলবো, বুঝতে পারছি? তার মানে কি আমি মন থেকে তোমার প্রতি ইন্টারেস্টেড হয়ে গেছি, এটা আগে ভাই নিয়ে এসো ভেতরে। আচ্ছা স্যার
অনেক পুরো ব্যাপারে যখন বলছিলাম তোমার ভালো লাগছিল কি লাগছিল না? একদম 100% স্যার ভালো লাগছিল। তোমার বন্ধুর সঙ্গে যখন গসিপ করো তুমি এটা বলো বলো না তো? না স্যার। তা কেন বলো না? তার জায়গা ব্যাপারে একটু জিজ্ঞাসা করো, ইন্টারেস্টেড হও। যখন তোমাকে আমি বলছিলাম তোমার ওখানে কি 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 খাওয়া, তুমি যখন বলছিলে তোমার মাথায় ওই ওই জায়গাগুলোর ছবি ভাসছিল। অর্থাৎ সিস্টেম কি নেটওয়ার্ক মার্কেটিং এ ইনফ্যাক্ট যে কোনো মানুষকে যদি আপনি কানেক্ট করতে পারেন, মনে তার সঙ্গে আগে কানেক্ট করুন, কনভিন্স করার দরকার হবে না। অর্থাৎ ইন্টারেস্টেড নেই বা নাই ইন্টারেস্টিং, ওর ব্যাপারে ইন্টারেস্টেড হয়ে যান, নিজের ব্যাপারে বলাটা কম করে দিন। বুঝতে পারছি আমি কি করলাম? আমি আমি খুব নিজের ব্যাপারে খুব কম বলেছি, বলেছি বেশি কিছু না। যে কোনো মানুষ তার নিজের ব্যাপারে বলতে ভালোবাসে। তুমি কিন্তু নিজে আস্তে আস্তে ওপেন হচ্ছিলে আমার কাছে, ক্লিয়ার? তো আমাদেরকে কিছু ইন্টারেস্টিং ইন্টারেস্টিং কোশ্চেন করে করে তাকে ওইদিকে নিয়ে যেতে হবে। আমি তোমাকে ইনভাইটটা করতে পারতাম, বাট আমি তোমার বাড়িতে যাবো চা খেতে, এবার চা খেতে গেলে তুমি তো আমাকে ভাতও খাওয়াতে পারো। একদম স্যার। হ্যাঁ, এবার আমি যখন গাড়িটা নিয়ে যাবো তখন ইম্প্যাক্ট বেটার পড়বে কি পড়বে না? 100% মনে করো আমার গাড়ি নেই, আমি বাইক নিয়ে গেলাম, মনে করো আমি ট্রেনে গেলাম, চলো ট্রেনে গেলাম, ট্রেনেও গেলাম, আমি কিন্তু ভালো করে ব্লেজার ট্রেজার পরে যাবো এবং আমি অন্য কাজে যাবোই না, আমি তোমার কাছেই যাবো। আমি জব মেরেছি, আমার কোনো কাজ নেই, বলে দিচ্ছি। ওকে, আচ্ছা, তোমার কাছে আমি ব্লেজার পরে যাবো, আমার টাই লাগিয়ে যাবো, সেখানে একটা অন্যরকম আমার লুকস লাগবে, আমার সামনে একটা ব্যাগ থাকবে, আমাকে লাগবে বিজনেসম্যান। হ্যাঁ কি না? একদম 100% লাগবে স্যার। এবার তুমি আমার প্রতি ইন্টারেস্টেড হবে কি হবে না? অটোমেটেড হয়ে যাবে তুমি ইন্টারেস্টেড। হ্যাঁ, তুমি গেছো টি শার্ট পরে ঘুরতে ঘুরতে চলে গেছে, অনেকদিন আসলাম বলেছিলাম, গলার ভয়েসই তো বোঝা যাবে ভাই কি করতে গেছো স্যার। ওটাই। হ্যাঁ, আর ঢুকেই বলো ভাই তোমাকে আমি বলেছিলাম হাত ধরা থাকবো, কিন্তু ভাই থাকতে পারবো না। এবার তুমি যখন বাড়িতে বলবে না মাকে এরকম একজন আসবে, তোমার মা না রান্না করবে, আমি জানি, আমি তোমাকে বললাম না চা খেয়ে চলে আসবো, কিন্তু তোমার মা বলবে আরে কলকাতা থেকে লোকটা আসবে। কলকাতা মানে কি? তোমার মায়ের বাপের বাড়ি কোথায়? তাহলে এদিক থেকে হাওড়া কলকাতা থেকে লোক যাচ্ছে, তোমার মা না খেয়ে ছাড়বে না? আমি ঢুকেই বলবো ভাই তোমাকে আমি বলেছিলাম, কিন্তু ভাই একদম টাইম নেই জানো তো, প্রথমেই ঢুকে বলে দেবো এটা, এই যে ভাই মিষ্টিটা তোমার জন্য, তোমার পছন্দ হয়েছে তো দেখো। এই ছবিটা মাথায় আমি ভেবে নিয়েছি, আমি বলতে চাইছি তুমি ওই মানুষের সাথে কি কি করবে এটা তুমি ডিসাইড করো, ও ডিসাইড করবে না, কেননা তুমি ট্রেনিং নিয়েছো, ওই লোকটা ট্রেনিং নেয়নি। থ্যাংক ইউ ভাই, থ্যাংক ইউ। ওকে, নেক্সট। থ্যাংক ইউ স্যার। হ্যাঁ, আমাদের কটা টাইম হলো? ও এখনো টাইম আছে, গ্রেট, ফ্যান্টাস্টিক। अच्छा भाई मजा आ रहा है क्या? बंगाली हिंदी सब कुछ होगा, मजा आ रहा है तो एक बार कमेंट करो, मुझे भी अच्छा लगेगा भाई। पैसे वैसे तो कुछ मिल नहीं रहा है, कुछ कमेंट मिल जाए। थैंक यू, एक्सेलेंट सर। ओके ओके भाई, इनविटेशन खूब इजी, टेंशन वाला काज नो है, सो जा एकदम इजी हो जान। ओके, हल्का हो जान, हल्का इजी सर। एनीबॉडी हिंदी टाइप? हिंदी टाइप, यस। देखो मुझे हिंदी नहीं आता है, फिर भी मैं हिंदी में बातें करूंगा, ठीक है ना? चलो ठीक है, कौन हिंदी कौन है? रणदीप सेन, चलो रणदीप सेन को ले लो। ओके, रणदीप सेन बिजनेस करना ही नहीं चाहते। हाँ, हो गया। अच्छा, अभी अभी हम लोग का जो कम्युनिकेशन होगा कैसे होगा सर? सर आप बताओ, आपने हैंड रेज किया, मैं तो अभी गली का बकरा हूँ, जो भी करना है करो मेरे साथ। ये हो सकता है कि हम लोग ऐसे एक ही बिजनेस रिलेटेड में है। अभी सोनार का बिजनेस में, हम भी सोनार के बिजनेस में ही है। ओके, तो हम एक हम लोग एक ही बिजनेस ट्रेंड एक ही बिजनेस है, आप भी गोल्डस्मिथ हो, मैं भी गोल्डस्मिथ हूँ, तो आप मेरे को ये ऑफर दे रहे हो एक बिजनेस के लिए, तो उसमें जितना ज्यादा हो सके मैं निगेटिव दूंगा आपको। ठीक है सर, मैं बिजनेस ऑफर नहीं दूंगा, मैं पहले इनवाइट करूंगा आपको, राइट? क्योंकि इनविटेशन का काम इनवाइट करना है। राइट। मैं वही समझाने का कोशिश कर रहा हूं भाई, इनविटेशन तक ही सीमित रहो, सिंपल है। एकदम बराबर भाई, मैं तो तुम्हारे पास चाय पीने में एक मिनट में बोल दूंगा, एक मिनट में जाके बोलूंगा, अभी कुछ बोलूंगा ही नहीं तुम्हें। राइट एकदम ठीक है ना? तो एक ही ट्रेड में हो तो मोटा मोटी जान पहचान पहले से ही है ना? थोड़ा बहुत जान पहचान है। चलो ठीक है। अभी कितना टाइम हो रहा है? अभी 9:35 हो रहा है ना, तो चलो 9:35 में मैंने आपको कॉल लगाया, आप फोन उठाओ। हेलो, अरे रणदीप कैसे हो भाई? बस चल रहा है, आप बोलिए। अरे रणदीप क्या अभी क्या कर रहे हो, मतलब दुकान बंद करके फिर मतलब लौट रहे हो कि कहाँ पे हो अभी? अभी बस घर पे आयो, अभी बस थोड़ी देर आधा घंटा पहले घर पे आओ, अभी थोड़ा बस थोड़ा फ्रेश होके अभी बैठा हूँ बस। थोड़ा टिकट चलो
और देखेंगे अभी। और बताओ, बहुत दिनों से बात नहीं हुआ, लॉकडाउन तो चल रहा है, थोड़ा सा प्रेशर तो चल रहा है सबका, तो फैमिली का हाल चाल थोड़ा बताओ, कैसे है सब? बस चल रहा है दादा ऊपर वाला के आशीर्वाद से, चलो ठीक ठाक है। तुम्हारा जो क्यूटी, तुम्हारे घर में जो क्यूटी पाई है ना, वो कैसी है? हाँ क्या बोला? तुम्हारे घर में एक लड़की है ना क्यूटी पाई जैसी एकदम। अरे so, वो बढ़िया एकदम सर, बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। उसका तो अभी ऑनलाइन क्लास चल रहा है बस, उसी को लेकर वो अभी वो क्लासेस हो रहा है। अरे भाई बोलो मत, ये ऑनलाइन क्लास का चक्कर में मतलब क्या करे, ये लोग तो फिर वीडियो ऑफ करके रख देता है, मेरा तो ऐसा ही होता है मेरा घर में, है ना? आपका कैसा है पता नहीं है, ठीक है, करके इधर बैठ के ये दूसरा काम करता रहे। सभी के एक ही जैसे है ना। अरे भाई ऑनलाइन क्लास में तो जब एग्जाम होता है तो क्या होता है भाई, देख के लिख देता है, बोल देता है ना? छोटा है अभी तो क्लास, अभी कुछ एग्जाम नहीं है, अभी तो छोटा है। अरे सुनो ना, बहुत दिन से बात नहीं हुआ, एक साल हो गया, चलो एक दिन मिलते हैं, क्या बोलते हो? बोलो, चाय वाय पियेंगे, कॉफी वाफी पियेंगे, कहाँ बैठना जाए बोलो? वो बाजार में आपको देखा भी नहीं, आप आते नहीं, काम काज का क्यों नहीं आएंगे? सुनो ना, एक बार मेट्रो जाना है मुझे, एक काम करते, कल मुझे कल तो संडे है, टाइम देखते हैं, एक बार मुझे मेट्रो जाना है, कल मैं खरीदने कुछ जा रहा हूँ, वहाँ पे मेट्रो खुला है ना, तुम्हारा तो वहीं पे घर है। मेट्रो जा रहा हूँ तो कल सुबह के टाइम में वहाँ पे जा रहा हूँ, तो क्या तुम्हारे पास आ सकता हूँ चाय पीने में? अरे आ जाओ, अरे कोई प्रॉब्लम नहीं, आ जाओ, घर पे आओगे चाय पियोगे और क्या। तो एक हेल्प करो भाई रणदीप, तुम एक मुझे हेल्प करो, तुम एक बात बताओ, वहाँ पे वो जो मेट्रो है ना, वो कितने बजे से खुलता है? वो तो सुबह 6 बजे खुल जाता है। अरे बाबी 6 बजे खुल जाता है? सुबह 6 बजे खुल जाता है। 6 बजे तो 6 बजे तो उठेंगे ही नहीं भाई, कल तो संडे है ना, मस्त सोएंगे आज, है ना? तो एक काम करते, तुम कितने बजे उठते हो बोलो? कल संडे है, थोड़ा देर अभी वो सैटरडे, थोड़ा रात को, रात तक हम थोड़ा मूवी देखते हैं ना, वो देख के फिर सोते सोते तो 1-1.5-2 बज जाता है, फिर उसके बाद हम उठते हैं। वही हाल सबका है भाई, मैं भी वही, संडे है। एक काम करते हैं, 10 बजे मिलते हैं, घंटा बैठेंगे, चाय पियेंगे, फिर मैं मेट्रो चल जाऊंगा। प्रॉब्लम नहीं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, बस मेरे को आके फोन कर लियो, बस फोन कर लियो मेरे को। हाँ मुझे भी वो जगह पता नहीं है, मैं वो जो मोड़ है ना मेट्रो के सामने, वहां जाके एक बार फोन लगा तुम, बोला मैं, क्योंकि इतना दिन हो गया अभी मुझे भी याद नहीं है, है ना? हाँ। कोई तो बात, अभी बिजनेस कैसे चल रहा है बोलो? अभी तो दादा बिजनेस तो अभी आपको भी पता है कि आप भी सेमी ट्रेंड में हो, तो आपको भी पता है कि बिजनेस अभी थोड़ा ठंडा है, धीमी चल रही है अभी उतना तो। अच्छा अभी 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 देखो, अभी जो ट्रेंड है अभी समझ में आ गया है। अब तुम एक बार बताओ, तुमको क्या लगता है, आलू प्याज का बिजनेस अच्छा है कि सुनार का बिजनेस अच्छा है? आप बताओ तो एक तो काम भाई, बात बताओ। हाँ? बात ये है कि जो अभी इस लाइन पर हम बिजनेस कर रहे हैं, अभी तो हम आलू प्याज नहीं बेच सकते हैं। नहीं नहीं, वो तो बाद है, वो तो आप बेचो ना बेचो वो आपके ऊपर है, मैं वो नहीं पूछ रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ आलू प्याज का बिजनेस अच्छा है कि अभी सुनार का बिजनेस अच्छा है, वो बोलो। मुझे तो आलू प्याज अच्छा लग रहा है, क्योंकि 2 साल से मुझे अच्छा लग रहा है, मैं भी नहीं कर रहा हूँ, मैं भी आप ही का ट्रेड में हूँ, तुम्हारा सेम काम ही कर रहा हूँ ना दोनों। नहीं नहीं, वो तो खाने का चीज है, मतलब इस बारे में मुझे भी सोचना चाहिए और तुम्हें भी सोचना चाहिए, है ना? क्या सोचूं, बोले आलू प्याज का बिजनेस करूं, करूं ना करूं उसके लिए सोचना है, मुझे भी नहीं आता है। चलो बैठते है कुछ, अगर निकलेगा तो चाय पीते पीते कुछ देखते है, मुझे भी नहीं कुछ आता है। अभी नया बिजनेस और कोई मतलब भाई वही मैं क्या बोल रहा हूँ, सोचना चाहिए कि नहीं सोचना चाहिए, वो मैं मुझे भी सोचना है, तुम्हें भी सोचना है, ये तुम मानते हो कि नहीं मानते हो? अभी तो अभी जो सिचुएशन जैसे हो रहा है तो अभी सोचने वाली बात ही है। राइट, वही मैं बोल रहा हूँ, मुझे भी अगर आता तो मैं कर लेता, है ना? वो तो सही है ना। तो आप क्या ये मानते हो कि भाई सोचने का टाइम में चाय या कॉफी होना चाहिए? एकदम बराबर, चाय के साथ एक बढ़िया चाय पिला देना भाई, चलो सोचते हैं बैठ के। आप मैं भाई मानता हूँ, अगर दोनों आदमी बातें करें ना, कुछ तो निकलेगा, कुछ तो निकलेगा, है ना? आप दोपहर का ना भाभी जो का लेकर आइएगा ना। देखते फिर, बोल रहा हूँ भाई, हाँ वो भी अभी निकल रही नहीं है ना, ये जो सिचुएशन है अभी तो निकल
निकलना पॉसिबल नहीं था, तो देखते एक बार बोलते हैं, वो तो फिर तो बहुत बढ़िया हो जाएगा एक साथ मिलके। एकदम 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 है ना, बाहर नहीं जाते हो रहा है तो उन लोग का भी मन बहल जाएगा, थोड़ा अच्छा लगेगा उन लोग को भी अच्छा लगेगा। तो देखो भाभी अगर जाएगी तो उनको तो सिर्फ चाय पिले के भगा नहीं सकते हो, फिर तो नहीं हो ना। अरे आओगे तो खाना खाके थोड़ा दाल दाल चावल खाते ही जाना और क्या। चलो 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 एक काम करते हैं, तुम मुझे दोस्त मानते हो ना भाई। अरे एकदम एकदम बराबर। चलो मैं मटन लेके आता हूँ, तुम्हारा हाथ का मटन मुझे बहुत पसंद है, मुझे एक बार याद है आप तुमने एक बार बनाया था, ठीक है ना। तो मैं मटन लेकर आऊँ, नाम मत करना इसमें कुछ बोलना नहीं है, बाकी सारा खर्चा तुम्हारा है ठीक है, क्योंकि मेरे यहाँ पे बहुत बढ़िया मटन मिलता है। ओके मैं लेकर आता हूँ। अरे आप मेरे घर आ रहे हो पहली बार, तो ऐसे थोड़ी होता है कि आप लेकर आओगे। नहीं 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 नहीं, बहुत दिन बाद जा रहा हूँ भाई, अभी मिठाई मिठाई मत खाओ ठीक है ना, टाइम खराब जा रहा है। मैं लेके आऊंगा क्योंकि मैं मतलब बहुत प्रेफर करता हूँ, तुम्हें एक बार खिलाना चाहता हूँ, बाकी तुम खिलाना ठीक है ना, तुम्हें एक बार खिलाना चाहता हूँ भाई, एक बार खाके तो देखो मेरे यहाँ का ठीक है। एकदम बराबर। चलो कल आ जाते हैं, 10 बजे तक आ जाते हैं मोटा मोटी, एक बार फोन कर लेंगे ठीक है। चलो थैंक यू चलो चलो थैंक यू रणदीप। तो रणदीप बेटा ये बोलते जाए भाई, यही मैं बताना चाह रहा हूँ भाई, इनवाइट मतलब बिजनेस में ही नहीं, फिर चाय पीते पीते बताऊंगा ना उनको। राइट, अगर ऐसा सिचुएशन है चाय नहीं पी सकता हूँ मतलब, तब क्या होगा ये कन्वर्सेशन और थोड़ा आगे भागेगा। मान लीजिए कि लॉकडाउन है, अभी चाय पीना पॉसिबल नहीं है। राइट, ठीक है। तो चलो वहां से और एक बार शुरू करते ठीक है ना, अभी नेगेटिव आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। चलो ठीक है, ये तो एक इन्विटेशन हो गया। मैं तो वही बोल रहा हूँ, इन्विटेशन मतलब इन्विटेशन ही होता है, इसमें बिजनेस कुछ नहीं है। राइट, ठीक है। तो एक काम करते हैं, अभी लॉकडाउन है ठीक है, बातें चला, लड़की का क्लास चला वहां तक चला ठीक है, फिर से शुरू कर रहा हूँ वहां से ठीक है ना। फाइन, तो थोड़ा सा पीछे चलते हैं। ओके, तो चलो ठीक है, सबका देखो अभी जूम में क्लास चल रहा है, अभी सब कुछ जूम में शिफ्ट हो गया है ना, सब कुछ जूम में शिफ्ट हो गया है। अब देखो हम लोग का भी एक मीटिंग हुआ था, तुम घुसे थे उसमें, 2000 का जितना भी था सारा घुसे थे, तुम घुसे थे क्या उसमें? सब जूम में हो रहा है। अब देखो एक हर जगह ऐसा चल रहा है बिजनेस में भाई, क्या किया जा सकता है, क्या किया जा सकता है इसको लेके, किंतु सब लोग सोच रहा है ना। हाँ वो तो सोच रहा है दादा। और जैसे जैसे तुम बोल रहे थे, देखो मिलना तो था, अभी तो देखो कोरोना का जो सिचुएशन चल रहा है, अभी तो फिजिकल मीट होना पॉसिबल नहीं है ना। अरे यार हमारे घर पे कोई नहीं है, कोई बच्चा है, बुजुर्ग लोग भी है, पिताजी है मेरा, तो किसी को भी अभी क्या है ना, एक होता है कि बाहर का भी किसी को हम अलग नहीं कर रहे, हम कहीं हम भी कहीं पर नहीं जा रहे, बात ही है। तो देखो अभी जो सिचुएशन है, मैं तो सोच रहा हूँ भाई कुछ ना कुछ करना है मुझे, तुम्हारा सोचो। तुम्हें मैं एक कहानी सुनाता हूँ, सुनोगे? 2 मिनट का कहानी है। नहीं रहे पर हम भी सोच रहे कि यहाँ करे, तो देखो अभी तो बिजनेस का हाल अभी ऐसा है थोड़ा, तो साइड में कुछ अगर अच्छा ढंग से देखो इन्वेस्टमेंट क्या है नहीं है उसको हम थोड़ा देखना पड़ेगा। हम भी सोच रहे है, तो ऐसे ऑफर मिला है तो देखते हैं अभी क्या करते हैं, अभी कुछ सोचा। अरे भाई अगर ऐसा कुछ ऑफर है तो मुझे भी दो, तुम क्या मुझे दोस्त नहीं समझते हो? अरे जरूर जरूर, एक दो बिजनेस हमको भी मिला है कि उसको 5-6 लाख का इन्वेस्मेंट है उसमें। ओके, तो 5-6 लाख फिर भी तुम मुझे बताओ भाई, मैं अगर ठीक लगेगा तो लगा देंगे, क्या है फिर भाई, सुना रहा है तो 5-6 लाख टका तो रहेगा ना। वो तो सही है पर दादा अभी भाई हो जाएगा अभी अरेंजमेंट, क्या बिजनेस है थोड़ा सा बताओ। तो ये देखिए सोनार का तो बिजनेस नहीं है, तो अलग से बिजनेस है, जैसे टेक अवे है ऐसे कुछ है, पर अभी सोच रहे कि अभी इस हाल में ना अभी 5-6 लाख के इन्वेस्टमेंट में वो रिस्क नहीं ले पा रहा हूँ, बात वही है, रिस्क नहीं ले पा रहा हूँ। ऐसा तो दे सकते है पर रिस्क नहीं ले पा रहा हूँ। हाँ वही अभी जो सिचुएशन है, मान लीजिए कोई भी स्टार्टअप होगा ना, वो भी चलेगा कि नहीं चलेगा, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आ गया है भाई। वही है, जैसा कि देखिए बिजनेस तो हम खराब बिजनेस तो बना सकते हैं, पर अभी क्या है कि अभी 2-4 लोगों को अभी उसमें डालेंगे, इसके साथ हम रहेंगे, लेकर तो लेना पड़ेगा उनका सैलरी भी तो देना होगा ना। फिर सैलरी देना होगा, ये देना होगा, बहुत सारा इसमें क्या तो मतलब देखो दो तरफ आग दो तरफ ही लगा है, आपके तरफ भी मेरा तरफ भी है ना, तो दोनों तरफ ही दिक्कतें है। एक काम करो, तुम्हारा जो अगर कुछ है अपॉर्चुनिटी अगर कुछ आएगा ऐसा कुछ सोच रहे हो तो मुझे भाई बताना भाई, और मैं मुझे भी अगर कुछ मिलेगा तो मैं भी बताऊंगा ठीक है ना। देखो दोनों एक ही जगह गिर गए, अभी बिजनेस का जो हालात है दोनों की, सभी ने अभी ऐसा हालात है भाई।
आपका आपके पास कोई ऐसे कुछ अपॉर्चुनिटी है, ऐसे कुछ है कि आपके जान मतलब कुछ कर सकते हैं हम? मैं भी देखो मैं भी ढूंढ रहा हूँ, ऐसा कुछ खास नहीं लगा, ठीक है? अच्छा। कुछ खास नहीं लगा, अगर कुछ होगा तो तुमको मैं जरूर फोन कर लूंगा भाई, तुम्हें बताऊंगा तो जरूर एक बार। अच्छा। ठीक है, बाकी तुम अपना समझ लेना क्या लगेगा उसका प्रोजेक्शन भी हम देखेंगे क्या है नहीं है, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या है। 100% देखोगे, 100% देखना चाहिए भाई, बिजनेसमैन हो तो क्यों नहीं देखोगे। तो देखो अगर कुछ ऐसा मिलेगा तो मैं तुम्हें जरूर कॉन्टेक्ट करूंगा, ठीक है? और फिर वही जो मैंने कल्याणी को किया था वही चीज मैं तुम्हें करने जा रहा हूँ, क्योंकि तुम तो भाई बोले हो हाँ अगर ऐसा कुछ होगा तो मुझे बताना, राइट? बोला है कि नहीं बोला है? राइट। जब मैं ये काम जो करने जाऊंगा ना वो उस टाइम पे मैं देखो मेरा वॉइस कैसा रहेगा और मैं बहुत हड़बड़ में रहूंगा, बहुत एक्साइटेड रहूंगा, राइट? और तुम्हें कुछ बोलूंगा भी नहीं, या तो आओ या तो मत आओ, डिसीजन तुम्हारा है, राइट? ठीक है, नेगेटिव देने का टाइम मत दो, यही मैं बोल रहा हूँ। टाइम कहाँ है भाई, आओ तो आओ नहीं तो छोड़ो, मैं वही बोलूंगा तुमको, ठीक है? चलो नेक्स्ट दिन फोन किया कल सुबह, राइट? अरे चलो हेलो बोलो। हेलो, अरे रणदीप, हेलो सुनाई दे रहा है? गुड मॉर्निंग। अरे रणदीप कृष्ण दादा बोलछिलाम। हां बोलिए दादा, बोलिए। अरे अरे भाई जो कल बात हो रहा था ना एक बिजनेस के बारे में, एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी आया, एक बहुत बढ़िया एक बिजनेस का बारे में एक प्रेजेंटेशन है, ठीक है? तो मुझे अभी लिंक मिला तो तुम तो बोल रहे थे, मैंने सोचा भाई तुम्हें एक बार बता दूं। क्या तुम 11 बजे तुम्हारा टाइम मिलेगा दादा? 11 बजे तो थोड़ा प्रॉब्लम है, क्या बिजनेस है थोड़ा बताइए ना दादा। अरे भाई मुझे भी नहीं पता, एक अपॉर्चुनिटी है, मेरा दोस्त ने भेजा और वो इतना बहुत मेरा जिगरी दोस्त है भाई, जैसे मैं तुम्हारा दोस्त हूँ ना, एक साथ चाय पीता हूँ, एक साथ सिगरेट पीता हूँ, है ना? तो उस तरह का दोस्त है भाई, मुझे पूछने से बोला भाई ऐसा है तुम्हें अगर देख लो उसके बाद पता चल जाएगा। तो भाई अभी कर क्या रहे हो, संडे है, ठीक है ना? है? तो मैंने सोचा एक बार घुस देते नहीं, क्या है बिजनेस, क्या है मतलब क्या है किस चीज का? देखो एक लिंक मुझे भेजा है, जहां तक मुझे मालूम चला एक लिंक मुझे भेजा है, वो जूम का लिंक है, और उस लिंक में घुस के 30 या 40 मिनट का एक प्रेजेंटेशन देखना है, ठीक है? और उसमें जो डेटा लगेगा वो आपका भी लगेगा, मेरा भी लगेगा, अगर तुम घुस सकते हो तो घुसो, क्योंकि ये मुझे भी मालूम नहीं है क्या है, आप इंटरेस्टेड थे इसलिए मैंने आपको लिंक भेजने के बारे में सोच लिया, अगर नहीं हो तो कोई बात नहीं है, अगर टाइम है नहीं है तो छोड़ दो। ना तो ये क्या कोई वो नेटवर्क मार्केटिंग ऐसे कुछ तो है नहीं, उस पे हम इंटरेस्टेड नहीं है दादा, एकदम इंटरेस्टेड नहीं है भाई। मैंने क्या बताया, मुझे एक दोस्त ने भेजा, मैं इंटरेस्ट। देखो अगर तुम सचमुच कुछ ढूंढ रहे हो तो पहले देख लो ना, मैं उस सोच से ही घुस रहा हूँ जैसे कल बात हो रहा था, अगर तुम्हारा भी सोच सेम है कि चलो देख लेते हैं, अगर सही नहीं रहेगा तो निकल जाओ भाई, जूम से जूम में तुम कौन पकड़ेगा तुम्हें, पैसे भी नहीं लग रहा है, फ्री में है, देखने में क्या हद है भाई। मैं देख रहा हूँ, मुझे उतना पता नहीं है, मैं घुस रहा हूँ, तुम चाहे तो घुसो, ठीक है ना? अपॉर्चुनिटी ऐसा नहीं होता है, कोई 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 तुम्हारा टाइम उनको मालूम है तुम कितने बजे उठते हो, नहीं है ना? सो कोई प्रेजेंटेशन देगा उसका भी एक टाइम हो सकता है ना, कैसे चेंज होगा भाई, मेरा हाथ में नहीं है, मैं भी सुनने के लिए घुसूंगा। अब देखो रणदीप, अगर जब हम लोग बोल रहे हैं कि मुझे ही मालूम नहीं है, तुम कुछ पूछ ही नहीं सकते मुझे, देखो तुम कितना फंस गए हो, देखो पूछो क्या नेगेटिव दोगे। मैं बोल रहा हूँ भाई इनवाइट करना है तो फास्ट कॉल में ही करना है, ऐसा नहीं है ये दिमाग से पहले हटा लो, ये क्या होता है आपको भाई, इसी बार करना है नहीं करना है, थोड़ा सा उसको जलाओ, थोड़ा सा उसको इंटरेस्ट क्रिएट करो, आपके पास कुछ है नहीं तो फिर इसको तीसरे दिन में खींच सकता हूँ, तीसरे दिन खींच सकता हूँ, मुझे कुछ नहीं मालूम है किसने भेजा है, ठीक है ना? मुझे बताएगा फिर मैं तुम्हें बताऊंगा, तुम एक बार कॉल कर लेना नेक्स्ट डे सुबह, अब वो कॉल तुम्हारे पास से आएगा, राइट? समझ रहे हो रणदीप? राइट। क्या बताऊंगा भाई, मुझे एक दोस्त ने बताया कि वो एक मुझे देगा, मैं पहले देख लेता हूँ, तुम अगर इंटरेस्टेड हो तो तुम नेक्स्ट डे सुबह मुझे कॉल कर लेना 10 बजे, राइट? बस खत्म, तुम्हारा कोर्ट में दे दिया बॉल, तुम अगर सीरियस हो तो तुम कॉल करो, नहीं तो मत करो। अब तुम कॉल करोगे कि नहीं भाई,
तुम और मैं सेम सेम चीज सेम सेम सिचुएशन में है, तुम अगर ये सोचना शुरू कर दोगे भाई कृष्णदा को क्या मिल गया कुछ है ना भाई पूछना है क्या हुआ अब दो दिन से और क्या करूंगा, थर्ड डे मैं व्हाट्सएप तुमको करूंगा नहीं, कुछ नहीं करूंगा, कम्युनिकेट ही नहीं करूंगा, तुम क्या सोचोगे साला कृष्णदा को जरूर कुछ मिल गया है, साला क्या मिला यार। अब तू फोन करोगे मैं दो तीन बार उठाऊंगा भी नहीं फोन, फिर मैं उठाऊंगा, अरे रणदीप बोलो थोड़ा मैं बिजी हूँ, अरे कृष्णदा तुमने बोला था तो चलो थर्ड दिन फोन किया, चलो थर्ड दिन तुम फोन किया, तीन बार फोन किया मैंने उठाया नहीं, चलो फोन करो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाता है इसको है ना। हेलो दादा, हेलो दादा, हाँ रणदीप बोलो भाई बोलो बोलो कैसे हो आप। अरे दादा क्या बात है, आप तो भूल ही गए हो मेरे को, छोटा भाई। हेलो भाई, अरे भाई चलो भाई, अब देखो मेरा मेरा वॉइस चेंज हुआ, अब मैं एक्साइटेड नहीं हूँ ठीक है ना, अब मैं एक्साइटेड नहीं हूँ, आप एक्साइटेड हो ठीक है। सो फ्रेंड्स इसको थोड़ा सा समझो, वॉइस को समझो, नोटेशन को समझो, क्या यूज हो रहा है, मतलब थोड़ा सा उसको महसूस करो, फिर से तुम एक्साइटमेंट तुम्हारे अंदर रहेगा है कि नहीं रणदीप। राइट राइट राइट, अब देखो मेरे मेरे साइड में कोई एक्सप्रेशन नहीं रहेगा, चलो और एक बार शुरू करो। हेलो दादा। हाँ हेलो, हाँ कृष्ण दादा कैसे हैं आप, गुड मॉर्निंग दादा। अरे हाँ भाई ठीक है, ठीक ठाक है, बोलो तुम्हारा बताओ। तो भूल ही गए हो दादा, उस दिन फोन किया उसके बाद से फिर एक कॉल भी नहीं आपसे। अरे भाई तुम्हें बोला था ना, वो एक बिजनेस के बारे में एक दोस्त ने बता रहा था भाई, लॉटरी लग गया, बढ़िया बिजनेस मिल गया भाई। अरे दादा क्या बात है, आप तो बड़े आदमी बन गए अभी। नहीं 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 ऐसा नहीं है, बड़े आदमी बनने का रास्ते में चल रहा हूँ, अगर तुम चाहो तो तुम भी देख सकते हो, पहले एक बार देख लो। अच्छा अच्छा, अब देखो इसमें इतना बिजी हो गए ना, कॉल कॉल लग रहा है, कॉल हो रहा है, लोग इंटरेस्ट हो रहा है, इतने कस्टमर बढ़ गए हैं ठीक है ना, सो थोड़ा सा उसमें भाई उलझा था भाई। बोलो भाई कुछ मत कुछ दिमाग मतलब कुछ दिमाग में मत रखो, तीन चार बार मैंने फोन भी नहीं उठा पाया, सॉरी फॉर दैट भाई। अरे नहीं नहीं दादा वो तो सही है, ठीक है दादा, आप बिजनेसमैन बन गए अभी, नया बिजनेस अपॉर्चुनिटी आपको मिला है, आखिर वो अपॉर्चुनिटी क्या है हमको भी थोड़ा बताओ ना दादा, क्या है क्या करना क्या करना। आप देखो आप देखो आप देखो फोन में बताना पॉसिबल नहीं है, अगर तुम सचमुच इंटरेस्टेड हो और तुम्हारे पास 30 मिनट या 40 मिनट टाइम है तो बताओ, नहीं तो मत बताओ भाई, बोलना अभी पॉसिबल है ही नहीं। हम निकाल लेंगे दादा अभी, और क्या अभी अभी लॉकडाउन के अभी 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 थोड़ी देर उसमें घुस जाओ, पहले देख लो फिर बातें करेंगे, कुछ दिक्कत नहीं है, उसमें पैसे नहीं लगेगा भाई, पैसे तो हम लोग बिजनेस में रहे तो पैसे के बारे में पहले सोचेंगे ना। बात से आपने फोन नहीं किया, आप बोल रहे थे ना पांच छह लाख के बारे में, पांच छह लाख भी नहीं चाहिए ठीक है दादा, ऐसे भी थोड़े होता है बिजनेस, ऐसे होता है कि दादा 5-6 लाख नहीं। अरे भाई आप दीपंकर सर का फेल फाउंड जो थे ना, फेल फाउंड थ्योरी, भाई मुझे भी ऐसा लगता था भाई, मुझे भी लगता था कभी होता है क्या, लेकिन होता है भाई। देखो जब तक तुम कुछ चीज देखोगे नहीं तुमको मालूम नहीं चलेगा कि भाई वो चीज होता है कि नहीं, है ना, जब तक तुम कुछ चीज नहीं देखोगे तुमको कैसे मालूम चलेगा ये चीज होता है, लेकिन वो होता है। आप मेरे को लिंक भेजो, हम देख लेते हैं एक बार, आप मेरे को लिंक भेजो, पहले देख लो अब दादा जो मानते हो, देखो तुमको क्या लगता है मैं तुम्हें कुछ खराब चीज में मतलब खींचूंगा बोलूंगा कुछ खराब चीज के बारे में, तो नहीं है। राइट, सो देखो थोड़ा सा इमोशनल भी बोला है, अब तुम फिर से पूछो नहीं थोड़ा सा बताओ, वो तो थोड़ा सा बताओ ना दादा, क्या अपना मतलब थोड़ा सा बताओ कि क्या है उसमें, क्या प्रोडक्ट है क्या है। अरे भाई देखो एक काम करो अब ये तो मंडे हो गया है ना, थर्ड डे हो रहा है बातें, आप मंडे फोन किए हो ठीक है ना रणदीप। तो देखो अभी मंडे हो गया, अभी देखो काम का टाइम है, अभी मैं दुकान में भी हूँ, एक काम करो आज 3 बजे है, 3 बजे तुम उसमें घुस जाओ, बातें वहां पे होगा ठीक है ना, बहुत कस्टमर वेट कर रहे हैं भाई तुमको तो पता है, अब देखो किसी को नहीं बेचेंगे तो क्या होगा, अभी वो बिजनेस थोड़ा सा शुरू हुआ है, अभी एक ही दिन हुआ है ठीक है ना, अभी एक ही दिन हुआ है समझ सकते हो आप, तो थोड़ा सा इधर का भी कमाना है ठीक है ना, कस्टमर खड़ा है भाई ठीक है, 3 बजे तुम घुस जाओ ठीक है ना, बाद में बात करेंगे क्या, मैं आप लिंक भेजो हम 3 बजे आते हो। चलो चलो थैंक यू भाई, चलो टाटा। एक्सीलेंट, सो थोड़ा सा लॉजिक समझो भाई, थोड़ा सा लॉजिक समझो, किसके साथ बातें कर रहे हो आप, ये क्या होगा मतलब तुम ये लिखो मत, ये लिखने का कुछ है नहीं, ये महसूस करो वो क्या रहा है ठीक है ना, वो क्या रहा है, किसी को भी आप इन्वाइट कर सकते हो, किसी को भी
आप एक हाउस वाइफ को लो, हेलो इनवाइट मैं कर दूंगा, आप प्लान्स के बाद वो करेगा नहीं करेगा मुझे नहीं पता, राइट ठीक है ना, इनवाइट मैं कर दूंगा, राइट एक्सेलेंट, थैंक यू वेरी मच। दीपक सर बोलो ना आप অসাধারণ কমেন্ট আসছে, সব বলছে পয়সা বসে ট্রেনিং দুর্দর্শ, নতুন করে শিখলাম বিভিন্ন ধরনের আসছে, মানে হেভি ডেমোটা হেভি হয়েছে আজকে। এই স্যার অ্যাকচুয়ালি এইটা এই ডেমোটা করে আমারও নিজের কিন্তু অনেকগুলো ক্লিয়ারিটি হয়ে গেল সিরিয়াসলি ভাই। আমরা ওকে বারবার আমি একটা বলতে চাইছি, আমরা ডিসাইড করব ও কি বলবে, এটা এই এই টেকনিকটা মাথায় একবার নিয়ে নিন, ও ডিসাইড করবে না, এবারে ও নাও আসতে পারে, দ্যাট ইজ হিজ অর হার প্রবলেম, রাইট। কৃষ্ণেন্দু স্যার স্যার বেস্ট বেস্ট স্যার বেস্ট বেস্ট, ওকে থ্যাংক ইউ ভাই, থ্যাংক ইউ, ম্যাম ওই করতে যা রা হুম ভাই, জিতনা ভি হো সকে ভাই উতনা সিরিয়াস মে নাহি লেতা হুম, ঠিক না, আপ ফ্যামিলি কে বারে মে বাতে করো, করতে 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 কুছ না কুছ তো আপকো বোল হি দেগা, আবি দেখো সিচুয়েশন বহুত খারাপ হে, আবি তো বহুত ইজি হো গয়া, পহলে পহলে বহুত দিক্কত হোতে থে, আবি তো মেরা ইতনা ইজি হো গয়া, আব জিজি কো পুছো নেই ভাই খারাপ হে বাস, তু তু কুছ নেই সোচ রা হে, ওই সেম চিজ হে না, राइट right. थोड़ा सा कनेक्ट होना चाहिए, देखो रणदीप मैंने आपके साथ भी कनेक्ट किया, ठीक है ना, थोड़ा सा पिछले के बारे में बताया, फिर मैंने थोड़ा सा इमोशनल हुआ, घर right. के बारे में पूछा, घर में जाने का होगा बात, ठीक है ना, तो थोड़ा ये थोड़ा सा मतलब पूरा एक कॉम्पैक्ट है चीज, ठीक है ना, इसको right. समझो भाई, आप लोग करते रहो, सही तरीके से इन्वाइट करो, क्योंकि इन्वाइटेशन चाहिए ही चाहिए इस बिजनेस में, आपको सीखना ही है। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट जो दीपंकर सर आपने मिस कर दिया वो है इनविटेशन आपको ही करना है, ये एक ऐसा स्टेप है, सातों स्टेप्स बिस्ती में करना पड़ता है, ये एक ऐसा स्टेप है, ये स्टेप आपके लिए आपका सीनियर नहीं कर सकता, फिर से सुन लो, ये स्टेप आपके लिए आपका सीनियर नहीं कर सकता, नेटवर्किंग में सफल होना है आपके पास कोई च्वाइस नहीं है। सो कौन कौन ये इन्विटेशन टेक्निक को अप्लाई करना चाहेगा एक बार हैंड रेज कर दो, आई थिंक 10:10 बज गया और किसी के साथ बात शायद नहीं होगा। थैंक यू सो मच इतना अच्छा डेमो देने के लिए, सुपर सुपर सर, ओके ओके। और एक काम करो, आप लोगों को मैं दे रहा हूँ एक काम करो, चलो थैंक यू इतना हाथ उठा, थैंक यू वेरी मच, चलो एक बार वीडियो ऑन कर लेता हूँ, और एक और एक और एक मजेदार मैं बात बता रहा हूँ, चलो एक काम करो, किसी अनजान को इसमें इसमें इनवाइट करो भाई, तुम्हें इनवाइट किया जाएगा, तुम एक बार मेरे हेल्प के लिए इस मीटिंग में ज्वाइन हो सकता है दीपंकर सर, हाँ हो सकता है सर, हो सकता है, नॉन वेस्टिजियन है तुम भाई दीपंकर सर, आप अपने दोस्त को, मैंने भी मुझे मैं दोस्त को बताऊं भाई, तुझे तो पता है मैं वेस्टिज करता हूँ, लगा भाई हम लोग का क्लास है इन्विटेशन का, तुझे कुछ नहीं करना है, तुझे फोन किया जाएगा, तुझे इन्वाइट किया जाएगा, तुझे इन्विटेशन नहीं लेना है, ठीक है, तो चलो ये करते हैं, क्योंकि देखो जिन लोगों से भी बात कर रहा हूँ ये तो वेस्टिजियन ही है ना, तो कहीं कहीं लग सकता है आप लोगों की कि भाई चलो ये तो वेस्टिजी है, फिर भी जो जितना सारा नेगेटिव था एक्चुअली ठीक तरीके से अगर आप आगे बढ़ोगे तो नेगेटिव आएगा ही नहीं, चांस कहाँ आने का बोलो, उनका जरूरत है, मैं दे रहा हूँ सोल्यूशन, आप बोलेगा अभी बताओ मेरे पास तब टाइम नहीं है, अब वो छटपट आएगा, मैं नहीं, रैपो बिल्डअप जो है ना वो सबसे इम्पोर्टेंट है, रैपो बिल्डअप जो आप हर मतलब कॉलर के साथ किए एकदम, सो थैंक यू वेरी मच, मैं और डेमो अभी नहीं हो पाएगा, टाइम हो गया, फिर भी कोई अगर बात करना चाहे तो अभी घर जाना है, हाँ हाँ नहीं फिर भी अगर क्योंकि जो जैसे होता है बाद में हम लोग बात करते, एक बार सबका हैंड लोअर कर देता हूँ।